हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे एक नई प्लेलिस्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट के लिंक भी दिए हुए हैं, तो वीडियो लेक्चर्स देखो, असाइनमेंट्स करो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मतलब समझ ली कि जो इस वर्ड है सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है। अब डे टू डे लैंग्वेज में सीक्वेंस का मतलब होता है सर्टेन ऑर्डर में आपने चीज़ें सजा रखी हैं, दैट यू हैव समथिंग ऑन द फर्स्ट प्लेस। लेट्स से वो A1 है, फिर A2, A3, A4। अब A3 A4 क्या है, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। आपने 5-7 ऑब्जेक्ट लगा दिए, उनको आपने सजा रखा है। तो एज सच मैथ में सीक्वेंस का मतलब होता है इनफाइनाइट टर्म्स हैं, बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और हम इन जनरल बोल सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे पास जाता जाएगा an, और an भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं सीक्वेंस an। an कोई जनरल रूल होगा जिससे आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लो an, मैंने बोल दिया कि आपका एन स्क्वायर प्लस 1/2n है। तो ये सीक्वेंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो an का मतलब जनरल रूल है, अब n की वैल्यू 1 डाल दो तो a1 आ जाएगा। वो कितना आ रहा है यहाँ से, मेरे पास 1+1/2, तो a1 हो गया 1। देन 2 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा 5/4। 3 डालोगे तो मेरे पास आ जाएगा 10/6, विच इज 5/3। 4 डालोगे तो 17/8। 5 डालोगे तो मेरे पास 26/10, मतलब 13/5। इस तरह से सीक्वेंस को जनरेट किया जा सकता है। अब सीक्वेंस में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इनपुट डाल रहे हो, एन की वैल्यू 1 डाल रहे हो और कुछ ना कुछ आउटपुट निकलते जा रहा है। तो इनपुट आउट का जैसे ही नाम आता है हमारे पास, तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, फंक्शन। तो डेफिनेटली जो सीक्वेंस हमारी एक तरह से एक फंक्शन है, जिसमें आप इंडेक्स डालते हो और आपको टर्म पता लग जाती है अपनी AI या FN बोलोगे तो AN लिख दोगे, वेरिएबल है जस्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आई हमेशा क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसेंशली जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, एक फंक्शन जिसकी डोमेन क्या होगी, हमेशा नेचुरल नंबर क्या होगी, अपनी नेचुरल नंबर सेट। इसलिए मैं कह रहा था कि ये इन्फिनिटी तक ग्रो करती रहती है। अब इनको प्लस माइनस साइन के साथ अटैच कर दो इसको अगर आप, तो A1+A2+A3 एंड सो ऑन, तो ये क्या बन जाती है, अपनी सीरीज, ठीक है। इनमें प्लस प्लस साइन लगा दोगे तो आप बोलोगे माइनस लगाओगे तब भी तो सीरीज मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। माइनस का मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, A1 फर्स्ट टर्म हो जाएगी, -A2 आपकी सेकंड टर्म हो जाएगी। तो मोर और लेस मैं प्लस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ इसको, सीरीज। ओके, कुछ क्लासिकल सीरीज भी आपने सुनी हुई है, सीक्वेंस सुनी हुई है, जैसे कि हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस है ना, फिबोनाची सीक्वेंस, जिसमें क्या होता है हर एक टर्म पिछली दो का सम होती है, ठीक है। ये मैंने रूल बना के देख दिया, इसका मतलब क्या है, एन एट टर्म निकाले तो उसकी पिछली दो को देखो और उनको ऐड कर दो। ऑब्वियसली ये जो रूल है, मैं n=2 से बड़े के लिए लगा रहा हूँ, तो मेरे को F1 और F2 तो डिफाइन करनी पड़ेगी। लेट्स से आपने F1 को 0 मान लिया, F2 को 1 मान लिया, तो आपकी सीक्वेंस क्या बनेगी, 0 1, दोनों का सम क्या 1, फिर दोनों का सम क्या पीछे वाली का 2, फिर से सम क्या पीछे दोनों का 3, फिर से सम क्या 5 8 13 21, ऐसे करके ये ग्रो करती रहेगी। तो ये तो जनरल आइडिया था आपके पास सीक्वेंस का। कोई ऐसे ही बोल सकता है कि एक सीक्वेंस है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरह पकड़ा के दे दे आपको, कि बोलो an जो है हमारी वो क्या है, an² bn+c, 2-3 टर्म पकड़ा दे आपको, बोले कि 50वीं टर्म क्या होगी। तो मोर और लेस आपको क्या करना पड़ेगा, ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कंडीशन रख रख के। मोर और लेस मैं बोल दूँगी T1 की वैल्यू 1 है, T2 की वैल्यू 7 है, एंड T3 का वैल्यू, T3 रख लेता हूँ आपका 18 है, तो 50वीं टर्म निकालो। तो आप बेसिकली इक्वेशन बनाओ, T1 का मतलब n की वैल्यू 1 डाल दी, a+b+c=1, T2 2 डाल दी तो 4a+2b+c=7, 9 डाल दी 9a+3b+c=18, 2 को सबट्रैक्ट को 2 को सबट्रैक्ट को सी हट जाएगा। 3 इक्वेशंस को सोल्व करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद चाहे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो ऑब्वियसली इस लेक्चर के इसके बारे में होने वाला है, AP GP AGP, इस तरीके अपन स्टैंडर्ड सीक्वेंस पढ़ेंगे। पर आप जो भी सीक्वेंस पढ़ो, हमें मोर और लेस दो ही चीज़ों से मतलब है, एक तो उसकी जनरल टर्म क्या होगी जिससे कि मैं कोई भी टर्म पता कर पाऊँ, और सारी टर्म्स का सम, n अप टू n टर्म्स का सम का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली स्टैंडर्ड सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AP 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी थोड़ा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी,
और बिल्ड करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है, सिंपल सा रूल है कि कोई भी दो टर्म, कोई भी दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो फिक्स रहेगा। कोई भी दो का मतलब an-an-1, इनका डिफरेंस हमेशा फिक्स है, ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। ओके, इसको क्या बोल देते हम, कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं ए वन डिफाइन कर दूं, जैसे ए फर्स्ट टर्म मेरा ए है, तो ए टू क्या होगा, एन कल टू डाले, ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी। सिमिलरली ए थ्री क्या होगा, ए प्लस टू डी। ओके, ए फोर क्या होगा, ए प्लस थ्री डी। ए फाइव क्या होगा, ए प्लस फोर डी। इस तरह से ग्रो करते जा रहा। तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूँ ए एन, यू कैन सी दो पे वन है, तीन पे दो है, चार पे तीन है, पाँच पे चार है, तो इसका मतलब ए प्लस इंडेक्स से एक कम एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, ये बन गया अपने पास जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो कोई भी टर्म निकालने तो निकाल सकते हो आप, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। लेट्स से हमारे पास किसी सीक्वेंस में ए पी के अंदर, इन्हें ए पी मेंशन कर रहा हूँ, ए पी के अंदर सेवन्थ टर्म अपनी है 12 एंड मेरी 12th टर्म है 27। फाइंड 20th टर्म। ठीक है, तो ए सेवन का मतलब ए प्लस 60 विच इज इक्वल टू 12, 12th का मतलब ए प्लस 11d इज इक्वल टू 27। दो लिनियर इक्वेशन सोल्व कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास क्या बनेगा, 5d इज इक्वल टू 15, तो d का वैल्यू आ गया 3। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालो, पहले में डाल देता हूँ, तो ए प्लस 18 इज इक्वल टू 12, तो ए का वैल्यू आ गया -6, तो ए 20 क्या है, ए प्लस 19d। समझदार हैं आप, डाल दो 57-6 51 मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, ये बहुत बेसिक टाइप के सवाल आपने किए हुए हैं। मैं आपको कोई भी जनरल एपी बना के दे दूं, लेट्स से 1, 6, 11 कितना हमें डिफरेंस, 5 का डिफरेंस लेके चल रहा हूँ ना, 16। मैं पूछूँ आपसे कि सीक्वेंस में 500 आएगा क्या, तो आप अज्यूम कर लेते हो ये 500 आ जाएगा। चलो मान लेते हैं nth टर्म मेरा 5th प्लेस पर आएगा, तो आप an को लिखोगे a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, जो कि मेरा कितना है 5, उसको इक्वेट कर दो 500 से। साफ देख रहे हो कि मेरा जो n है वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा इस केस में, इसका मतलब ये टर्म तो इसके अंदर नहीं आनी है। ठीक है, तो ये भी पता कर सकते हो पर्टिकुलर टर्म उसमें आएगी कि नहीं आएगी। इस तरह के सवाल भी आपने 10th क्लास में किए होंगे कि भाई के नंबर ऑफ 3 digits नंबर बताओ जो कि 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देते हो। तो 3 digit अपना सबसे कम क्या होता है, 100। ऐसे आपको बस याद दिला रहा हूँ, ईजी क्वेश्चन से कर सकते हो। 100 है तो इसको 7 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास 2 रिमाइंडर ही आ रहा है बेसिकली, है ना, 3, 0, 30 रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है। तो पहले 2 रिमाइंडर वाली टर्म तो यही हो जाएगी, अगली वाली 107, उसके वाली 7 ऐड करते जाओ 114, लास्ट क्या होगी, अब देखो 999 है, 999 मेरी लास्ट टर्म होती है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो 2 आ रहा है मेरे पास, 2 रिमेनिंग 29, 28 और 1 रिमेनिंग 19, तो 5 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप कौन से टर्म ले लो फिर, 5999 पे आ रहा है तो 3 कम कर दो, 99 पूरा काटना है, तो मेरे पास लास्ट में 4 चाहिए था, 996। अब इसको एन टर्म मान लो और सोल्व कर दोगे, 100 प्लस एन माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल टू 996। ठीक है, सोल्व कर लेना इसको फिर आप, इजी। सो एन का वैल्यू सोल्व करके पता लग जाएगा नंबर कितना होगा। तो इस तरह के सवाल आपने काफ़ी किए हैं। एक ठीक ठाक सवाल लेता हूँ आपके सामने, मान लो मेरे को 2 सीक्वेंस दे रखी हैं, 1, 5, 9, 13, देख लो 4 के डिफरेंस से ग्रो कर रही है एंड अप टू 300 टर्म्स तक लेके जा रहा हूँ इसको, कितना 300 टर्म्स, 300 टर्म्स हैं पहले सीक्वेंस में। दूसरा पार्ट लिया 2, 7, 12, 17, 5 के डिफरेंस लेके जा रहा हूँ अप टू 250 टर्म्स। ठीक है, 2 सीक्वेंस अपने पास, तो अपने को पता करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी होंगी दोनों सीक्वेंस के अंदर, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स।
नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। इसको कैसे करते हैं, देखो वैसी चीज़ है, जैसे एक बैल है हर एक 4 सेकंड बाद रिंग कर रही है, दूसरी बैल है वो हर एक 5 सेकंड बाद रिंग कर रही है, अगर वो एक साथ रिंग कर जाती हैं तो अगली बार कब रिंग करेंगे। तो इसमें एलसीएम निकाला था आपने 10th क्लास में, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर चल रही है। आप पहली कॉमन टर्म ढूंढो 159, इससे अगली मेरे पास 4 जोड़ूंगा तो 17 आएगी, और 17 ये थी मेरे पास। तो फर्स्ट कॉमन टर्म मेरे पास मान लो एस की सीक्वेंस है जो कॉमन टर्म्स की है 17, तो इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, इस वाली कॉमन डिफरेंस 5 है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना होगा कॉमन वाली का 20, एलसीएम ले लिया 4 और 5 का। तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट कॉमन टर्म 37, इससे कॉमन टर्म 57, तो कहाँ तक जाएगी ये? मैं मान लेता हूँ कि भाई नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स एन है, तो ये ए एन तक ग्रो करेगा। ऑब्वियसली कि आप जो कॉमन टर्म निकाल रहे हो एस वन और एस टू में से निकाल रहे हो, तो उनकी लास्ट टर्म से बाहर तो ये बिल्कुल नहीं जाएगी, है कि नहीं? तो ए एन मस्ट बी लेसर देन, या तो पहले वाले की आप निकाल दो, कौन सी टर्म उसको बोल देता हूँ 300 टर्म निकाल दो, ठीक है ए डैश, या दूसरे वाले की 250, जिसमें इन दोनों में जो भी छोटी है उससे भी छोटा रहना चाहिए, है ना, दोनों सीक्वेंस के बाहर नहीं जाना मेरे को। अब दिमाग में देखो ऐसा आ सकता है कि भाई हाँ इसको 250 वाले से कर दो, ये तो छोटी होगी, इसमें 300 टर्म है, इसमें 200-250 टर्म है, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों की लास्ट टर्म निकाल के देखोगे जो छोटी है उससे छोटा रहना अपने को, है ना। तो क्या पता, देखो ये बेसिकली इसका कॉमन डिफरेंस ज़्यादा है ना, क्या पता ये 250 टर्म्स ही बड़ी हो जाए ऊपर वाली से, तो दोनों की मैं 300 टर्म निकाल के देख रहा हूँ, 300 क्या बनेगा मेरे पास 1 + 299 × 4, 300 × 4 हो जाता है मेरे पास 1200 में से 4 घटाया और एक ऐड कर दिया वापस, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1197, ठीक है। दूसरे वाले की 258 टर्म निकाल के देखूं तो 2 + 249 × 5, 250 × 5 मेरे पास हो जाता 1250 - 5 + 2, ठीक है 249 से मल्टीप्लाई करने के बाद 250 - 1 ले लो ना, तो कितना हो गया मेरे पास 1245 + 2 1247। ऑब्वियसली बात है इसकी 250 भी इससे ज़्यादा है, तो रहना तो मेरे को उसके अंदर ही है, तो इसका मतलब जो कॉमन टर्म है उसकी जनरल टर्म मेरी किससे छोटी होनी चाहिए 1197 से छोटी होनी चाहिए। तो ए एन आपकी क्या है 17 से स्टार्ट की थी ना, 17 + (n-1) कॉमन डिफरेंस मेरे पास 20 का लेस देन 1197, 17 को उधर भेजो 20 < = भी जा सकते अगर हो पाए तो, 17 सब्ट्रैक्ट कर दिया आ गया मेरे पास 1180, एक जीरो उड़ा दूं तो n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 59 + 1 = 60, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 60। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या होंगी आपके दोनों सीक्वेंस में 60 होंगी। अब मान लो 60 पॉइंट समथिंग आ जाता है तो फिर आप एन को 60 लेते हैं, बड़ा सा बड़ा नेचुरल नंबर वहाँ तक की रेंज में, ठीक है। अब कुछ करते हैं वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब नंबर वंबर काफ़ी कर लिया अपने। मान लो हमारी पी एस टर्म है क्यू एंड क्यू एस टर्म है पी की पी, प्रूव करो कि पी प्लस क्यू एस टर्म जीरो हो गई। तो अपने ए पी की फर्स्ट टर्म ए ले लेता हूँ कॉमन डिफरेंस डी, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गई मेरे पास ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। दूसरे वाले की इक्वेशन बनाओगे तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ए कैंसिल डी, पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन, पी माइनस क्यू हो गया, ये हो गया क्यू माइनस पी। ऑब्वियसली बात है पी नॉट इक्वल टू क्यू हमारे पास सेल्फ अंडरस्टूड है, तो यहाँ से कैंसिल करके डी की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस वन। डी को माइनस वन डालोगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, उधर जाके प्लस का हो गया पी प्लस क्यू माइनस वन। सिंपली इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो दिख जाएगा। तो पी प्लस क्यू एट टर्म क्या होगी अपनी ए प्लस इंडेक्स माइनस वन इंटू डी, ए का वैल्यू रखा आपने पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो साफ दिख रहा है दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही हैं, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास जीरो। ईजी क्वेश्चन। और देखिए बहुत सिंपल सवाल, एक ए पी है जिसकी पी एस टर्म तो ए है, क्यू एस टर्म बी है एंड आर एस टर्म सी है, तो मेरे को प्रूव करना है ए टाइम्स
क्यू माइनस आर, पैटर्न समझो, बी टाइम्स आर माइनस पी, सी टाइम्स पी माइनस क्यू जीरो होगा। सिमिलरली आप ये स्विच करके पी और ए के लिए भी लिख सकते हो, पी टाइम्स बी माइनस सी, क्यू टाइम्स सी माइनस ए एंड आर टाइम्स ए माइनस बी, ये भी जीरो होगा। तो अपने को तो सिंपली क्या करना है, तीनों इक्वेशन बनाओ एपी की जनरल टर्म का यूज़ करके। ऑलरेडी क्वेश्चन में एक छोटू ए को यूज़ किया हुआ है, तो हम पर फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान लेते ना, डिफरेंशिएशन रखना थोड़ा सा। पी माइनस वन इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल ए, ए प्लस क्यू माइनस वन, क्यू एफ टर्म अपनी बी है एंड आर एफ टर्म अपनी सी है। तो तीन इक्वेशन बन गई, वन टू थ्री। तो फर्स्ट को अगर मैं प्रूव करना चाहूँ तो मेरे को क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, इनको सब्सटीट्यूट कर दूँ। तो देखो अगर आप क्या करते हो, टू माइनस थ्री कर दोगे तो ऐसे ये कैंसिल, मेरे पास क्या बनेगा, क्यू माइनस आर इंटू डी इज इक्वल टू बी माइनस सी। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्ट कर दो थ्री माइनस वन, तो आर माइनस पी इंटू डी, सेम पैटर्न से लिखना है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सी माइनस ए, ओके। और p माइनस क्यू, वन माइनस टू करोगे तो p माइनस क्यू इंटू डी हो जाएगा मेरे पास a माइनस पी, ठीक है। तो q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखूँगा तो q माइनस आर की वैल्यू है b माइनस सी अपॉन डी, प्लस b इंटू आर माइनस पी की वैल्यू है c माइनस ए अपॉन डी, c टाइम्स इसको रखोगे तो मेरे पास क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन डी, अपॉन डी सबका कॉमन ले लो। अब देखो साइक्लिक चल रही कि नहीं चल रही, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी, तो सब कैंसिल हो रहे, बी सी बी सी, ए बी ए बी, ए सी ए सी, सब कैंसिल हो गए, मेरे को क्या मिलेगा, जीरो। सेम यही चीज़ आप दूसरी वाली एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इस केस में आप बी माइनस सी को सब्सटीट्यूट करोगे, क्यू माइनस आर इंटू डी, आर माइनस पी इंटू डी, पी माइनस क्यू इंटू डी, यहाँ पे वन बाई डी कॉमन आया था, वहाँ पे इंटू डी जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी मेरे पास, जीरो की तरफ। बिल्कुल आसान सवाल, ठीक है। अब एक थोड़ा ढंग का सवाल लेते हैं और, तो हमने देखो जनरल टर्म के क्वेश्चन ही किए हैं, धीरे धीरे करके डिफिकल्टी का लेवल बढ़ा है। ए बी सी डी ये सब मेरे क्या है, इंटीजर्स, ठीक है, आर इन ए पी, ओके, ए पी के अंदर है एंड इट इज़ गिवन दैट के जो डी है वो पहले तीन टर्म के स्क्वायर के बराबर है, इसी सीक्वेंस में ऐसा हो रहा है, ए पी में भी हैं, देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगा। अब इसमें तो दो कंस्टेंट हैं, एक तो ये इंटीजर है सबके साथ इसका यूज करना है, दूसरा ये ए पी में भी है। तो ए पी में है तो मैं सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को क्या लिख सकता हूँ, जैसे मेरा कॉमन डिफरेंस है के, ऑलरेडी क्वेश्चन में छोटू डी यूज़ किया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या मान लिया अपना, के। तो ये अपनी फोर्थ टर्म है, आई विल राइट इट दिस एज ए प्लस थ्री के, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, पढ़ी रहेगी ऐसे ही। सेकेंड टर्म ए प्लस के का होल स्क्वायर एंड थर्ड टर्म ए प्लस टू के का होल स्क्वायर, ओपन करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर, ओके, एंड के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर फाइव के स्क्वायर एंड टू ए के प्लस फोर ए के सिक्स ए के, इसमें कोई समस्या। अब देखो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल में, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। तो या तो इसको पूरी तरह ए का क्वाड्रेटिक बना दो या पूरी तरह के का क्वाड्रेटिक बना दो, मैं ए का बनाता हूँ, ये क्या बन गया, थ्री ए स्क्वायर प्लस ए कॉमन ले लेता हूँ सिक्स के, वहाँ से ए आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, प्लस फाइव के स्क्वायर माइनस थ्री के इज इक्वल टू जीरो। अब देखो मेरा ए इंटीजर है और तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ए इंटीजर है तो मेरा ए स्क्वायर कोएफिशिएंट वन होना चाहिए था, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था, पर वो देखो कंडीशन कब लगती है, जब आपके दोनों रूट इंटीजर आ जाएं, मेरा एक भी इंटीजर रूट आ जाएगा तो भी मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ले देंगे चाहे कुछ भी हो, ए इंटीजर है ये तो बात तो तय है ना कि ए रियल नंबर है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो,
तो मैं उठाता हूँ डी लिखा, 6k-1 का होल स्क्वायर माइनस 3 × 4 = 12, 4 ऐसे लिख रहा हूँ, 5k² - 3k, दिस थिंग हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया मेरे पास 36k² - 60k² = 24k² -12k एंड माइनस माइनस प्लस 36k, तो ये हो गया मेरे पास प्लस 24k एंड कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास प्लस 1 ही है, दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करके सेट करोगे तो ये माइनस 24k माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आप लिखो। अब देखो लेस देन इक्वल टू 0 तो रेंज इस तरह से ही कुछ आएगी ना, इसके जो भी दो रूट बनते हैं इस तरह से इसकी वेवी कर्व बनने वाली है, ग्राफ क्या हो जाए ऐसे भी। तो लेस देन इक्वल टू का आंसर क्या है, अल्फा से बीटा के बीच में। तो मेरी जो भी रेंज बनेगी k की अल्फा से बीटा के बीच में, तो उसमें से इंटीजर उठा लूँगा क्योंकि मेरे चारों टर्म ए बी सी डी इंटीजर हैं, तो k भी इंटीजर ही रहना चाहिए। तो उसको सोल्व क्या क्या बना, सोल्व करता हूँ इस क्वाड्रेटिक को, 24 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 4 ए सी, माइनस 4 ए सी करोगे तो माइनस माइनस प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ऊपर से देखो मेरे पास 4 का स्क्वायर इसके पास भी है, 4 का स्क्वायर इसके पास भी है, तो बाहर निकाल लूँ, मेरे पास 4 का स्क्वायर बाहर निकाला तो प्लस माइनस 4, अंदर क्या बच गया है 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर तो बाहर निकाल चुका हूँ, पीछे भी क्या बचा मेरे पास 6 = 42, 2 × 24, तो ये क्या हो गया 24 प्लस माइनस 42 डिवाइडेड बाई 2 × 24। तो आप चाहो तो 4 भी कॉमन लेके उड़ा सकते हो, तो हो गया मेरे पास 6 + −√42 डिवाइडेड बाई 4 कॉमन लेके उड़ाया तो 12 हो गया, ठीक है ना, 6 × 2 = 12। अब ये जो 42 है ये आप जानते हो 6 point something होगा, ठीक है ना, 6 point कुछ होगा, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है। तो 6 + 6 point something 12 point something प्लस के साइन के साथ डिवाइडेड बाई 12, और 6 - 6 point something मतलब -0 point something डिवाइडेड बाई 12। तो ले देख के मेरे को पता लग रहा है कि जो आपका k है ना वो क्या है, -0 point something से लेके 1 point something के बीच में, और वो समथिंग कुछ भी हो उससे मेरे को मतलब नहीं क्योंकि मेरे को इंटीजर ही उठाने हैं, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो k की वैल्यू -0 point something, तो ये मेरा 0 है, यहाँ पे अल्फा पड़ा हुआ है 1 point something, यहाँ पे बीटा पड़ा हुआ है। तो देखो ध्यान से बीच में दो इंटीजर आ रहे हैं, k की वैल्यू 0 भी ले सकते हो 1 भी ले सकते हो। अगर मान लो मैंने k की वैल्यू 0 ले ली इस इक्वेशन के अंदर, k की वैल्यू 0 लेने का मतलब कोई कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, चारों क्वांटिटी सेम हो गई, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक बनी हुई है। k की वैल्यू 0 ले लोगे तो ये क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, 3a² - a = 0। तो यहाँ से a की दो वैल्यू आ रही, एक तो 0 आ रही है, दूसरी वैल्यू आ रही मेरे पास 1/3, दोनों ही रिजेक्ट करनी पड़ेंगे क्योंकि a 0 b 0, a और कॉमन डिफरेंस दोनों को 0 कर दो तो सब 0-0 हो जाएंगे। वो तो ऑब्वियस ही बात है कि एक सोल्यूशन होना भी चाहिए, ताकि इस इक्वेशन में सब 0 डाल दे तो सेटिस्फाई तो कर ही नहीं ना, पर वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ले लेते चलो कि a b c d डिस्टिंक्ट है, ये भी ऐड कर देता तो ऑब्वियसली आपको ये 0 वाला केस रिजेक्ट करना पड़ेगा, और a की वैल्यू इंटीजर उठानी तो 1/3 भी रिजेक्ट हो गया, तो इससे तो काम चला नहीं। अगर मैं k की वैल्यू 1 ले लेता तो क्वाड्रेटिक क्या बनती मेरे पास, क्वाड्रेटिक बनती हमारे पास 3a², k की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो ये बन गया मेरे पास 5a, 1 लिया 5 - 3 + 2 = 0, तो स्प्लिट हो रहा है मेरे पास 3a + 2a, तो 3a कॉमन लिया, वहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया a + 1, तो अगेन a की दो वैल्यू जा रही हैं -2/3 and -1, ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि इंटीजर नहीं है, तो a की वैल्यू होगी -1, k की वैल्यू होगी +1, तो आपके चार टर्म क्या बनेंगे, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 1 है तो जोड़ा 1, 2, 3 चार टर्म ये पता लग गई, तो सबका सम पूछा अपन से a + b + c + d, तो ये क्या हो गया अपने पास 2 आंसर आ गया। तो जनरल टर्म पे हम ऑलरेडी क्वेश्चंस देखते हैं, तो आगे बढ़ते सम की तरफ, सम ऑफ एन टर्म्स इन ए पी, ठीक है।
तो ये SN का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी 10th क्लास में देखा हुआ है, तो हम इसको आप डिराइव भी करेंगे। अगर आपने पहले नहीं किया तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ डेरिवेशन में काफ़ी सारी चीज़ें अपने को पता लगती हैं, प्रॉपर्टीज पता लगती हैं सीक्वेंस से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं एक शानदार स्टोरी शेयर करूँगा आपके साथ। कॉल फ्रेडरिक गोस, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है इनको, ETBL की बुक मैन ऑफ मैथमेटिक्स में बताया गया इनके बारे में। तो एक बचपन की स्टोरी क्या है कि क्लास में मैम ने बोला कि 1 to 100 का सम करके बताओ, ठीक है। तो तब तक AP के बारे में बच्चों को ज़्यादा ऐसा कुछ पता नहीं था, उनको लगा कि यार ये बार बार करते रहेंगे और शांति से बैठे बैठे काम करते रहेंगे। तब तक बच्चे थोड़े शांत होते थे, कोई काम पकड़ा दो तो चुपचाप करते रहते थे। अब इन्होंने जो क्या झटके से देखा और आंसर कर फटाक से दे दिया। रीज़न था उसके पीछे क्योंकि इनके पापा क्लर्क थे, तो इतने प्रोडिजियस थे कि उनकी जो कैलकुलेशन वो लाउडली करते थे, उसको सुनते सुनते ही उन्होंने क्या कर लिया था, काउंटिंग सीख ली थी, ठीक है, बिना किसी स्कूल की हेल्प की। ऐसा ETBL की बुक मैन ऑफ मैथमेटिक्स में इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो एक बार सम को क्या किया, उल्टा लिख दिया, एक बार सीधा लिख दिया, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप जानते ही आगे पीछे सम करने से एडिशन में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये क्या हो गया 2S। अब इनको देखो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर मैं ऐड करूँ ना, स्टार्ट करूँ 101, 101, 101, 101, मतलब 101, 101, 101 आता रहेगा मेरे पास, एंड दिट्स गोज टू 101 हाउ मेनी टाइम्स, 100 times। सो एस मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 101 into 50, दैट इज 50, 50। तो ये भी तो KP है, तो सेम एनालॉजी से हम AP के सम का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो लिखते हैं उसको, तो SN लिखता हूँ मैं AP के एंड टर्म्स, तो क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म अपनी A, देन A प्लस D सेकेंड टर्म, A प्लस 2D थर्ड टर्म, ऐसे पीछे से भी एक दो लिख देता हूँ, दैट इज A प्लस N माइनस 2 सेकेंड लास्ट, और लास्ट अपनी टर्म क्या होगी एंड टर्म के लिए, N माइनस 1 इन 2D, ठीक है, ये लिख दिया। इसको उलट के लिख देता हूँ, A प्लस फर्स्ट टर्म मेरी लास्ट टर्म बन जाएगी, और ऐसी तरह से आप घटाते हुए लिख सकते हो, n माइनस 2D ए प्लस n माइनस 3 इंटू डी, एंड लास्ट में मेरे पास a प्लस डी एंड a, ठीक है। बस उसको उलट के लिखा है, तो यू कैन सी के इनको अगर ऐड करूं इस तरह से, ठीक है, और ये इसके साथ और ये इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो हर बार सम क्या बन रहा है मेरे पास, यहाँ पे बन गया 2SN, ये बन गया 2A प्लस N माइनस 1 इन 2D, सेम 2A प्लस N माइनस 2 प्लस 1 करोगे आप तो क्या हो जाएगा, N माइनस 1 इन 2D। तो सेम चीज़ रिपीट हो रही है, लास्ट में जाओगे ऐड कर रहे हो तो सेम चीज़ दिखाई दे रही है मेरे पास, 2A प्लस N माइनस 1 इन 2D, सेम एक्सप्रेशन रिपीटेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स, सो आई कैन से द SN विल बी एन टाइम्स 2A प्लस N माइनस 1 इन 2D, और ये दो नीचे आ गए तो n/2। तो ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला था, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, n/2 ब्रेक करके लिखूँ तो A प्लस N माइनस 1 इन 2D, तो दैट इज़ योर लास्ट टर्म, सो दिस कैन बी रिटन एज n/2 A प्लस L, ओके, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2। अब इसमें देखो प्रॉपर्टी बहुत सारी नज़र आ रही है मेरे पास, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इन सबका सम क्या है, सेम है कि नहीं। तो T1 प्लस TN, T2 प्लस TN माइनस 1 इक्वल टू T3 प्लस TN माइनस, इन सबका सब सेम सम इक्वल क्या है मेरे पास, T1 प्लस TN के बराबर ही है, ठीक है, आगे से पहले पीछे से पहले, आगे से दूसरी पीछे से दूसरी, सबका सम बराबर चलता है AP के अंदर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करें इसके बारे में जिससे प्रॉपर्टी भी समझ में आएगी आपको। इफ़ आई से के A1, A2, A3 अप टू A24 ऑल दीज टर्म्स आर इन AP एंड वी आर गिवन दैट A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24
ये है मेरे पास सम 420, ठीक है। देन फाइंड सम ऑफ ऑल 24 टर्म्स, जो कि अपने पास A1 से A24 तक जो भी टर्म्स है सबका सम बताना आपको। तो एक तो अप्रोच ये है कि बिल्कुल सिंपल सा देखा जाए तो मैं इनको लिख देता हूँ a प्लस 4d, देन a प्लस 9d, a प्लस 14d, a प्लस 19d एंड a प्लस 23d। तो ये मेरे पास कितना हो गया, a हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, तो 6a प्लस 4d प्लस 9d 13 प्लस 14 27 प्लस 19 46 प्लस 23 69d, ठीक है। तो साफ दिख रहा है इसमें से मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ तो ये दिख जाता है मेरे को 2a प्लस 23d, जो कि किसके इक्वल है 420 के। तो 2a प्लस 23d की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 140। और आपको निकालना क्या है, a और d की इंडिविजुअल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, 24 टर्म का सम, दैट इज 24/2 2a plus 23d। तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ना मैं, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 140 12 इंटू 140, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1680। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो आगे से पहली पीछे से पहली, आगे से पांचवी पीछे से पांचवी, आगे से दसवीं पीछे से दसवीं, 24 से काउंट करते आओगे तो 50th आपके पास 10th नंबर पे होगा। तो इनका सम सेम रहता है, किसके बराबर, a1 प्लस a24 के बराबर। तो क्यों ना इसको मैं 3 टाइम्स a1 प्लस a24 ही लिख दूं, तो इस चीज़ की वैल्यू मेरे को दिख जाएगी 3 से डिवाइड करने के बाद 140। और s24 की वैल्यू होती है 24 डिवाइडेड बाई 2 a1 प्लस a24, तो ऑटोमेटिकली आप सीधा यहीं पे पहुंच जाओगे 1680 पे। तो इसको ओरली भी किया जा सकता था अगर इस सम की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया जाए तो, ठीक है। सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स, ठीक है, एंड p इज नॉट इक्वल टू q, एंड वी नीड टू प्रूव दैट दैट sp प्लस q इज इक्वल टू 0। सिंपल सा सवाल है पर इससे अच्छी ऑब्जर्वेशन हम लेने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप। एस पी बराबर एस क्यू, सिंगल एपी में बात हो रही है, तो दिस इज पी बाई 2 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, एंड एस क्यू मतलब क्यू बाई 2 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल कर दूँ, कोरोस्पोंडिंग टर्म को कलेक्ट किया जाए तो 2a पी माइनस क्यू, देख लो इधर आके माइनस का हो जाएगा, डी कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन गया मेरे पास, पी स्क्वायर, वहाँ से आएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी, वहाँ से आएगा माइनस क्यू प्लस क्यू। एक लाइन में ऐसे देखना है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को देखते रहो और साथ साथ सेट करते रहो, पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू, कॉमन खींच लिया जाए तो क्या दिखेगा मेरे को, 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पी तो क्यू के बराबर है नहीं, तो इसका मतलब यही चीज़ इक्वल टू 0 होगी। अब अगर मैं sp प्लस क्यू लिखना चाहूँ तो ये क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास p प्लस क्यू बाई 2 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन में मेरे को ये क्या चीज़ ऑब्जर्व हुई थी कि इस चीज़ की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो वो यहाँ पर दिखाओगे तो ये आंसर मेरे पास क्या हो रहा है, 0। ठीक है, एक रूटीन क्वेश्चन था, प्रूव कर लिया, पर ये सिग्निफाई क्या करता है, ऐसा कब होगा, क्योंकि आप आगे जा रहे हो और सम पुराने टर्म्स के बराबर ही है, मतलब सब में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये पी आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा कब होता है आपकी डिक्रीजिंग एपी के केस में, ओके, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग एपी। बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझे तो इसके जैसे एक ठीक ठाक सवाल लेते हैं, मान लो मेरे को सीक्वेंस दे रखी 20, 19 1/3, 18 2/3 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में मेरे पास एन टर्म्स का सम दिया हुआ है 300, आई नीड टू फाइंड आउट एन। तो ऑब्जर्व करो, ऑब्वियस बात है डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो है, ये क्या बन रही है अपने पास, इन दोनों के बीच में गैप है 2/3 का, ठीक है ना, इनके दोनों के बीच में गैप है 2/3 का, ओके। तो डिक्रीजिंग ए पी है, सो आई कैन से ए मेरा यहाँ पे 20 है
और डी मेरा माइनस टू बाई थ्री है. तो मैं एस एन लिखता हूँ, दैट एस एन विल बी इक्वल टू हाउ मच, एन बाई टू टू ए, तो टू इंटू ट्वेंटी फोर्टी हो गया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज माइनस टू बाई थ्री. ये सम दे रखा मेरे को 300 के इक्वल. ठीक है, तो डिफाइन करते हैं. तो हो गया अपने पास एन बाई टू 40 माइनस टू एन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल टू 300. अगेन एक क्वाड्रेटिक बनेगी जिसको अपने को सोल्व करना रहेगा. तो दैट इज एन बाई थ्री, टू बाई थ्री को आगे ऐड करोगे तो मेरे पास ये हो गया 120 प्लस टू 122 बाई थ्री, टू एन बाई थ्री इज इक्वल टू 300. ठीक है, तो ऊपर से कम दो कॉमन लेके उड़ाओ. ये हो गया मेरे पास 61, ये हो गया n. तीन को उधर फेंक दूँ तो मेरे पास क्वाड्रेटिक सीधे बना रहा हूँ, माइनस एन स्क्वायर कितना हो गया, उधर जाके प्लस एन स्क्वायर माइनस 61 n, और ये हो गया 900. ओके, तो इसके फैक्टर बनाओ, ताकि ऑब्वियस ही बात है फैक्टर बनेंगे बनेंगे, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है. तो 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 इंटू 9, 25 इंटू 4 इंटू 9, तो ये हो गया 36, 25, दोनों का सम 61 हो रहा है. तो फैक्टर सीधे सीधे बना देते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, कितने बन जाएंगे मेरे पास, n माइनस 25, n माइनस 36 इज इक्वल टू 0. तो ऑब्वियस ही बात है n की दो वैल्यूज आ गई, 25 एंड 36. ठीक है, इजी. तो इस तरह से अपन कर सकते हैं. एक इसी तरह का सवाल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि भाई हमारे पास एक एन साइडेड पॉलीगन है जिसमें, और एक कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात कर रहा हूँ. कॉन्वेक्स पॉलीगन आपको पता होगा, सारे इंटरनल एंगल जिसके 180 से छोटे होते हैं, मतलब सबके कोने बाहर की तरफ निकले होंगे. तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में लीस्ट इंटीरियर एंगल इस 120 डिग्री एंड दे आर इंक्रीजिंग बाई 5 डिग्री. ठीक है, फाइंड एन. ओके, एन फाइंड आउट करना है. अब इसमें देखो कि कॉन्वेक्स पॉलीगन में अपने पास इस तरह से चलता रहता है, इंटीरियर एंगल के सम की बात ना करके अगर मैं मान लूँ, मैं सोचूँ किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल्स की. ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, दैट इज ऑलवेज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री. ठीक है, वो आप प्रूव कर सकते हैं. जैसे मॉलिक्यूलेटर ट्रायंगल में मेरे को पता है कि ये एंगल 120, ये भी 120, ये भी 120, वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ. तो 360 सम हो जाता है, जिसको आप अलग से डिराइव भी कर सकते हो इस तरह से, बहुत छोटे छोटे ट्राइंगल्स लेके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स निकाल सकते हो, कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है. तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, बजाय इंटीरियर एंगल में देखने के मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल में देख लेता हूँ. अब बताओ आपका लीस्ट इंटीरियर एंगल अगर 120 डिग्री है, तो आपका मैक्स एक्सटीरियर एंगल 180 में सब्ट्रैक्ट करके निकाला ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है, 60. और इंटीरियर अगर 5-5 से बढ़ रहा है, तो आपका एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, 5-5 से घटेंगे. तो सीक्वेंस क्या दिखेगी आपको, 60, ओके, देन 55, देन 50, देन 45, ऐसे 5-5 करके घटते रहेंगे. तो इसका सम मेरे पास किसके इक्वल करना है, मेरे को 360 के. तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को पता नहीं, एन बाई टू 2a 120 हो गया, n माइनस 1 इंटू डी मेरे पास माइनस 5 है, दैट इज इक्वल टू 360. ठीक है, तो चाहो तो कुछ काटा पिटी कर सकते हो, 5 उड़ा दूँ, कितना हो गया मेरे पास 24, यहाँ पे हो गया 72. ओके, सो ये क्या दिखेगा मेरे को, n बाई टू 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5n इज इक्वल टू 72. क्वाड्रेटिक बना देता हूँ, उस तरफ फेंकने के बाद ये बन जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 25n, एंड ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा, 72 इंटू 2 ही लिख देता हूँ. ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग की बात होगी,
तो आपको एसी का प्रोडक्ट दिख रहा है मेरे को 72 × 5, इसको स्प्लिट करना है ताकि सम 25 बन जाए। तो 72 मेरा क्या हो गया, 9 × 8 × 2 × 5, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे 5 तो मैं उड़ा चुका ऑलरेडी, यहाँ 5 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, 5 तो को मैंने काट दिया। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 16 और 9 25 आ रहा सम। तो एन स्क्वायर माइनस 16 n − 9 n + 72 × 2, तो सीधा सीधे फैक्टर बना के लिख देता हूँ, n − 16 n − 9। तो n की दो वैल्यू आ गई, 9 और 16, कौन से पिक करोगे आप, 9 लेंगे, क्यों, बिकॉज आगे जाओगे ना 16 तक पहुँचने के लिए आपको ये टर्म्स क्या होंगी, नेगेटिव एंगल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने को पता कोई भी एंगल नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 16 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। तो रिक्वायर्ड वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 9। ओके, सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने पी और क्यू के साथ लेके बताया और उसमें दो एग्जांपल डिस्कस किए कि डिक्रीजिंग सम, डिक्रीजिंग एपी के अंदर हमेशा हमारे पास एक पर्टिकुलर सम के लिए दो एन आ सकते हैं। तो दो एन क्यों आ रहा है, डबल आंसर कैसे आ रहा है, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। एक ठीक ठाक सवाल लेता हूँ, इन एन ए पी, ओके, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स मतलब 3n के बाद अगली जो n आएंगी उनकी बात हो रही है, देन फाइंड रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स विद सम ऑफ नेक्स्ट n, नेक्स्ट 2n टर्म्स विद सम ऑफ नेक्स्ट 2n टर्म्स, ओके। तो आप इसमें ये तो देख सकते हो कि इन टोटल 4n टर्म्स का जिक्र हो रहा है। सीक्वेंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो a1 a2 a2n आएगा, उसके बाद आपका a2n + 1, चलते चलते a3n आएगा, उसके बाद a3n + 1, और चलते चलते a4n आ जाएगा। 3n के बाद n टर्म्स हो रहे तो टोटल 4n टर्म्स हो गई। तो ये ऐसा बोला जा रहा है कि भाई कि यहाँ तक का जो सम है वो इक्वल है किसके, इसके, और आपको रेशो निकालना है फर्स्ट 2n का फिर इनका, ठीक है। इसको x बोल दूँ, y बोल दूँ, तो आपको बेसिकली x/y का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो गाइज फर्स्ट 3n टर्म का सम तो लिख देंगे मैं s3n, नेक्स्ट n टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हो आप, आप चाहो तो ये भी एपी का हर एक हिस्सा भी एपी में होता है, तो n टर्म्स के एपी भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 3n को आप लिख देना a + 3nd, फिर 4n को लिख सको a + 4n − 1 × d, उससे भी रिलेशन लिखा जा सकता है। बट लास्ट n का अगर निकालना है तो मैं टोटल 4n तक का निकाल के उसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो कोई बुराई नहीं है, ओके। सो मोर ऑर लेस द इक्वेशन बिकम्स 2 × s3n = s4n। सो रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, 3n का मतलब 3n/2 2a + 3n − 1 × d, एंड 4n का सम 4n/2 2a + 4n − 1 × d, ओके। कुछ काटा पीटी हो रही है, n/2 उड़ा दिया, 2 से इसको भी उड़ा देता हूँ, ये 2 हो गया। तो ये कितना हो गया, 3 × 2a 6a, 2 × 2 = 4 4a, तो इधर लेके आऊँगा 6a − 4a 2a हो जाएगा। d का भी कर लेते हिसाब, कितना हो मेरे पास, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9n − 3, उधर से हो रहा 8n − 2, तो 9n − 8n −3 − 2, इधर आके हो जाएगा मेरे पास प्लस का, तो −2 + 1 माइनस, ठीक है।
थोड़ा सा पर्टिकुलर टर्म्स को उठाओ, 2a की टर्म को देखो, फिर इधर एडजस्ट करो, d की टर्म को देखो, फिर एडजस्ट करो, इतने स्टेप्स तो आपको स्किप करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो एक रिलेशन आ गया मेरे पास, अब मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एस टू एन और नेक्स्ट टू एन, नेक्स्ट टू एन का भी सेम वैसे निकाल सकते हो, टोटल 4n में से 2n का हटा दो, एक्सप्रेशन लिखते हैं और रेशियो लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या लिखोगे आप, 2n by 2, 2a plus 2n minus 1 into d, बॉटम क्या हो गया मेरे पास 4n by 2, 2a plus 4n minus 1 into d, और सेम यही एक्सप्रेशन यहाँ पे भी आ जाएगी माइनस के साथ, ठीक है। तो सेम यही एक्सप्रेशन पड़ी है, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ऑब्जर्व करना आपको, n by 2, n by 2 दोनों में आएगा, कॉमन लेके उड़ा दिया, ठीक है। तो और दो भी कॉमन लेके उड़ा दो, ये दो हो जाएगा, तो वहाँ पे वो कट कट चुका होगा 2n by 2 पूरा, तो ऊपर क्या बन गया मेरे पास 2a plus n minus 1 into d, बॉटम क्या होगी मेरे पास 2 times 2a plus 4n minus d, प्लस पीछे माइनस टू एन करोगे तो n मैं उड़ा चुका हूँ, सेम एक्सप्रेशन नीचे चल रही है, ओके। देखो 2n by 2, 2n by 2 उड़ा चुके अपन दोनों साइड से, सेम एक्सप्रेशन पीछे भी थी। अब 2a की वैल्यू देखो अपन ट्रांसफर कर सकते हैं d की फॉर्म में, वो क्या है मेरे पास, सब जगह क्या कर सकते हो आप, माइनस n माइनस 1 into d, ठीक है। 2a का वैल्यू पीछे मेरे पास था 2n माइनस 1 था, पीछे 2a प्लस 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, ओके, प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, बॉटम क्या होगी अपने पास 2 टाइम्स, अब जैसे मैं देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है 4a है माइनस 2a है, तो 2a ही बचेगा और 2a की वैल्यू मैं सीधे लिख रहा हूँ माइनस टाइम्स n माइनस 1 इंटू डी, पीछे क्या हो गया अपने पास d कॉमन निकाल लूँ, 8n माइनस टू, पीछे क्या है 8n माइनस टू, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस टू एन प्लस वन इंटू डी, ठीक है। तो d सब जगह से निकाल के उड़ा सकते हो, तो कितना हो गया ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और क्या बनेगा मेरे पास माइनस n प्लस टू एन, ये प्लस वन माइनस वन भी कैंसिल, तो ऊपर बच गया n, नीचे क्या हो गया d उड़ा चुके हो माइनस n, एट एन माइनस टू एन माइनस n, फाइव एन हो जाएगा, एट माइनस थ्री एन, ये माइनस माइनस प्लस वन, और पीछे से माइनस टू प्लस वन माइनस वो भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 1/5। ऑब्जर्व करो एक्सप्रेशन को, लिखो दिखेगा अपने पास, ठीक है ना, माइनस एन प्लस टू एन, एन आ गया माइनस एन माइनस टू एन प्लस एट एन, तो एट माइनस थ्री फाइव एन हो गया, बाकी सब कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट सब कट चुके हैं, तो 1/5 मेरे सीधे सीधे आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आप गौर करके सीखेगा। इन टू ए पीस, अलग अलग दो एपीज हैं, रेशो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स, सीधा एस एन लिख देता हूँ, मान लो पहली एपी का एस एन लिख रहा हूँ, दूसरी एपी का एस डैश एन लिख रहा हूँ, एस एन डैश लिख रहा हूँ, ये मान लो कोई भी रेशो ले लो, मान लो जैसे ये टू एन प्लस थ्री है और ये फोर एन माइनस वन है, ये रेशो दे दिया मेरे को, कोई भी रेंडम ऐसे एक्सप्रेशन मिल सकती है, बोला फाइंड रेशो ऑफ देयर, कोई भी रैंडम टर्म पकड़ लो, जैसे लेसे 18 टर्म, मान लो पहली वाली का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस छोटू ए छोटू डी है, दूसरी वाली का कैपिटल ए कैपिटल डी है, तो एट द एंड आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ए प्लस 17 डी डिवाइडेड बाई कैपिटल ए प्लस 17 डी, इसकी वैल्यू निकालो। अगेन अपने रेशो पूछा जा रहा है, तो अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की लोड नहीं लेने की इसके अंदर कि ए और डी क्या होंगे, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू फाइंड रेशो या वैल्यू ऑफ सच एक्सप्रेशन ए प्लस 17 डी ए प्लस कैपिटल ए प्लस 17 कैपिटल डी। तो इस चीज़ को यहाँ से कैसे जनरेट किया जाएगा,
अपने को ऑब्जर्व करना है। तो मैंने बेसिकली लिखा n बाई टू सम ऑफ n टर्म, 2a प्लस n माइनस 1 इन टू डी अपॉन दूसरी की भी n टर्म से ले रहे हो तो 2a प्लस 2 इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल a है n माइनस 1 इनटू कैपिटल d, ठीक है। ये जो साइड में दे रखा है वो लिखते रहेंगे सेम एच डीज, तो देख पा रहे हैं कैंसिल हो गया और बचा क्या मेरे पास 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब मेरी देखो कि अगर आपको a प्लस टाइप देखना है तो a के आगे से 2 हटाना पड़ेगा, है कि नहीं, तो मेरे को 2 कॉमन लेना है तो पीछे 2 इंटू समथिंग होना चाहिए और वो समथिंग क्या होगा, कॉमन लेने के बाद मेरे को क्या दिखाना है 17। तो सोचो n माइनस 1 की वैल्यू मेरे को क्या करनी है 2 इंटू 17, मतलब n का वैल्यू क्या रखोगे बोथ साइड, n का वैल्यू बोथ साइड रख दो आप 35, n माइनस 1 को मेरे को 34 दिखाना है तो n का वैल्यू 35 रख दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो इसमें कोई अलग से मेरे को a और d का वैल्यू के बारे में पता करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा देखा 73 और नीचे कितना हो गया मेरे पास से 140 माइनस 1 139, ठीक है। तो ये आ गया आपका डायरेक्टली a प्लस 17d, दो कॉमन लेने के बाद कैपिटल a प्लस 17d विच इज इक्वल टू 73 अपॉन 139, और यही क्या है अपनी 18 टर्म a डैश 18 और a पहली ap का 18 टर्म और नीचे अपने पास दूसरी ap का 18 टर्म। इजी, सेम इसी तरह से एक सवाल और देख सकते हो आप, इन एन ए पी, एक ए पी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रेशियो ऑफ एन टर्म्स सम ऑफ एन टर्म्स विद सम ऑफ एम टर्म्स, इट इज गिवन दैट दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ठीक है। सो मेरे को रेशियो निकाल के बताना है किसका, ए एन प्लस वन और ए एम प्लस वन, इसका रेशियो बताना है क्या आएगा। ये आंसर लिख देता हूँ, ये आता है मेरे पास 2n प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1, ठीक है। तो देखो कैसे निकाल रहे अपन, तो n टर्म्स का है तो मेरे पास n बाई 2 क्या हो गई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम ही ap का है तो a और d तो सेम ही रहेंगे, m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। एग्जाम्पल से भी इसी वजह से ले रहा हूँ कि आपको एक चेंज ऑफ वेरिएबल के बारे में पता लगे कि हम वेरिएबल कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये कर दिया मैंने कैंसिल n बाई टू, n बाई टू, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बचे हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये n इधर से कैंसिल किया, m इधर से कैंसिल किया, 2 ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हो तो n बाई m आ गया। अगेन मेरे को रेशियो निकालना है, अब इसमें दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए और डी का रिलेशन निकालो और इनकी यहाँ पे रिप्लेस कर दो आप, ठीक है, इसमें इसको रिप्लेस कर दो, ए प्लस एन डी, ए प्लस एम डी, तो ए की वैल्यू रिप्लेस करोगे डी की फॉर्म में तो कटने के बाद इस तरह कुछ दिख जाएगा, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, या फिर अल्टीमेटली मेरे को बनाना क्या है, मेरे को बनाना है ए प्लस एन डी, ठीक है, a प्लस एन डी, तो इसको कुछ इस तरह से बदलो कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन का आइडिया देखो कैसे बदलना है आपको। बेसिकली मैं इसको क्या बनाना चाह रहा हूँ, 2nd अगर ये बन जाए, क्या बन जाए 2nd, तो मैं 2 बाहर निकाल पाऊँगा, तो n माइनस 1 को मेरे को किससे रिप्लेस करना चाहिए ताकि यहाँ पे 2n बन जाए, तो हाल फिलहाल के इसको मान लो 2 अल्फा लिख देता हूँ मैं, तो n की वैल्यू मेरे को किससे रिप्लेस करनी है 2 अल्फा प्लस 1 से, ठीक है, 2 अल्फा प्लस 1 से, तो 2a प्लस n को आपने प्लेस कर दिया 2 अल्फा प्लस 1 से, 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी अपॉन सेम ऐसे ही नीचे m को रिप्लेस कर दो 2 बीटा प्लस 1 से बोथ साइड, तो 2a प्लस 2 बीटा, अभी अल्फा बीटा क्यों ले रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो वेरिएबल्स में, बाद में अल्टीमेटली मैं चेंज कर दूंगा इनको, ये क्या आएगा मेरे पास 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा प्लस 1। अब देखो ये क्या बना मेरे पास, कैंसिल 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 कैंसिल, दो कॉमन लेने के बाद a प्लस अल्फा डी, a प्लस बीटा डी इज इक्वल टू 2
टू अल्फा प्लस वन। अभी अल्फा बीटा क्या है, मोरलेस वेरिएबल ही तो है, अब इसको एन लिखो एम लिखो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं वापस कैसे क्या करूँगा, अल्फा को चेंज कर दूंगा एन से, बीटा को चेंज कर दूंगा एम से, तो ये क्या बन गया मेरे पास ए प्लस एन डी, मतलब कौन सी टर्म ए एन प्लस वन। नीचे क्या बन गया ए प्लस एम डी ए एम प्लस वन, और रेशो किसके बराबर आ रहा है अपने पास, अल्फा को एन से रिप्लेस कर चुके हो, बीटा को एम से रिप्लेस कर चुके हो, तो टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन। ईजी। और लेता हूँ एक आध सवाल सम के ऊपर ताकि हम पैटर्न समझ पाएं अलग अलग तरह के सिंपल से। तो हमारे पास देखो कि एस वन एस टू एस पी ये क्या है, सबके सब क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ए पीस, ठीक है, अलग अलग एपी के एन टर्म्स के सम है, एस वन भी एन टर्म का सम है, एस टू भी एन टर्म का सम है, और एपी कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो, इसकी फर्स्ट टर्म वन है एंड कॉमन डिफरेंस इसका वन है, इसकी फर्स्ट टर्म टू है इसका कॉमन डिफरेंस थ्री है, ऐसे चलते जाओगे, इसकी फर्स्ट टर्म मेरे पास पी है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा टू पी माइनस वन, तो एक तरह से कॉमन डिफरेंस में चल रही है ओड नंबर की सीरीज और ये अपनी चल रही नेचुरल नंबर की सीरीज। तो मेरे को बताना है कि समेशन एस आई, आई का वैल्यू एक से लेके पी तक इज इक्वल टू, प्रूव करना है कि दिस विल बी इक्वल टू एन पी बाई टू इंटू एन पी प्लस वन, ठीक है, समेशन का मतलब इन सब का सम। तो पहले देखो आप कर क्या रहे हो, एस वन लिखोगे तो क्या आएगा एन बाई टू टू ए, ए मतलब वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस टू लिखे हुए एन बाई टू, ओके एन बाई टू टू ए टू इंटू टू, और नेक्स्ट का डी कितना है मेरे पास थ्री, एस थ्री लिखोगे सेम इसी पैटर्न लिखते जाओ एन बाई टू, उसका फर्स्ट टर्म थ्री है एन माइनस वन, डी का वैल्यू मेरे पास फाइव, डी में चल रही है ओड नंबर की सीरीज, और ऐसे चलते जाओगे तो एस पी मेरे पास क्या आ गया एन बाई टू टू इंटू पी प्लस एन माइनस वन इंटू टू पी माइनस वन, ओके। अब इन सबको अगर ऐड कर दो तो ये तो बन गया मेरे पास सिग्मा एस आई, आई का वैल्यू एक से लेके पी तक, सब में देखो एन बाई टू कॉमन है बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर पहुँचे अपन टू इंटू वन टू इंटू टू टू इंटू थ्री टू इंटू पी, टू कॉमन निकाला क्या बन गया वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस प्लस कहाँ तक पी तक, आगे वाले में एन माइनस वन कॉमन निकाला क्या बन गया मेरे पास वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस प्लस कहाँ तक टू पी माइनस वन तक, बेसिकली पी टर्म्स हैं, तो क्या बन गया देखो ये ए पी है, पी टर्म्स की तो क्या लिख दोगे सीधे सीधे एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेम अगली वाली भी ए पी है, कितनी टर्म्स की पी टर्म्स की, तो एन माइनस वन तो ऑलरेडी पढ़ाई हुआ इंटू में पी बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म टू पी माइनस वन, ओके। तो काफ़ी हद तक ये मैनेज हो चुका है, कैंसिल कर दिया टू से टू, एन बाई टू अंदर क्या हो गया मेरे पास पी इंटू वन प्लस पी, और ये कैंसिल टू से टू भी कैंसिल एन माइनस वन इंटू पी स्क्वायर, तो पी कॉमन आ रहा है बाहर ले लेता हूँ, एन बाई टू क्या हो गया वन प्लस पी प्लस एन पी माइनस पी, पी से पी कैंसिल, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गई ना मेरे पास, ये सारे सम्स का जो भी मेरे पास सम की एक्सप्रेशन बनी पी ए पी की वो क्या बन जाएगी एन पी बाई टू एन पी प्लस वन, ओके एन पी बाई टू एन पी प्लस वन। आई होप आपको इस अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ ही ये सम वाला पार्ट अपना फिनिश हो जाएगा। हमारे पास एक ए पी है, ठीक है, इन एन ए पी देर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ओके इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इजी, सम ऑफ ओड टर्म्स वो कितना है मेरे पास 24 एंड सम ऑफ इवन टर्म्स वो दे रखा मेरे को 30, ठीक है।
ऑल्सो हो रहा है कि लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से 10^(1/2) बड़ी है, ठीक है। तो अपने को एन निकाल के बताना है क्या होगा। तो एक तरह से देखो कि आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो हम मान लेते हैं कि आपके पास लास्ट टर्म क्या बनेगी। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन मानने के बजाय 2n मान लेता हूँ, तो लास्ट टर्म मेरी 2n हो जाएगी। ओके, लास्ट टर्म मेरी हो जाएगी 2n। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, तो मतलब मेरे को एक तरह से 2n की वैल्यू ही पता करनी है। तो इसको देखो कि मेरे पास ये है a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, लास्ट में 2n है, तो 2n-1 एंड a2n। तो इवन टर्म्स का सम और टर्म्स का सम, तो a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस प्लस प्लस, तो ये एन टर्म्स हो गई अपनी। ये किसके बराबर दे रखा अपने को, 24 के इक्वल। अगेन a2 प्लस a3 प्लस a5 a2 प्लस a4 इवन देखनी, a6 प्लस 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 a2n, ये मेरे पास है 30, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से अपने पास काम चला सकते हो, या तो आप सिंपल एंड टर्म्स का सम यहाँ पे लिखो, एंड टर्म्स का सम यहाँ पे लिखो, इक्वेशंस क्रिएट करो, ठीक है। तो हमारे पास अभी तीन वेरिएबल चल रहे हैं, एक तो ए डी और एन, और तीन कंडीशन भी दे रखी है आपके पास, एक दो और ये इसकी दे रखी है लास्ट टर्म की। बट एक सीधा सीधा दिमाग में आ रहा है, अगर मैं क्यों ना दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन लिखोगे तो कॉन्जुगेटिव डिफरेंस लिखा जाएगा। तो a2-a1 मेरे पास d हो जाएगा, a4-a3 फिर से d हो जाएगा, a6-a5 फिर से d हो जाएगा, एंड लास्ट में भी d आएगा, ये हो गया 6 के इक्वल। तो अब देखो ये चीज़ पूरी चीज़ क्या बन गई, n टाइम्स आया, nd=6। ओके, nd=6। दूसरा मेरे को क्या बोल रहा है, लास्ट टर्म दैट इज a2n, तो ये हो गया मेरे पास a प्लस 2n-1 × d इजिकल टू फर्स्ट टर्म प्लस ये हो गया 21/2। ए से ये कैंसिल कर दूँ तो क्या बना, 2nd-d=21/2। एन डी की वैल्यू डाल दो 6, तो मेरे पास कितना हो गया ये 12-d, तो 12-d=21/2। तो d का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 12-21d/2, तो कितना हो जाएगा, d का वैल्यू आ गया अपने पास 3/2। d निकाल चुके हो तो पुट कर दो यहाँ पे, nd/2=6, तो n का वैल्यू आ गया मेरे पास 12। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास 24, 2n है ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास 2n, तो ये कितना हो गया मेरे पास 24। ओके, इजी। सो आई होप आपको सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी अच्छे से क्लियर होगा। और साथ ही साथ एक बात भी ध्यान रखोगे कि हमारे पास एपी की जनरल टर्म क्या होती है, a+n-1 × d। इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, a-d+nd, है कि नहीं। तो एक तरह से ये क्या है, लीनियर इन एन, लीनियर पॉलीनोमियल बन रहा है एन के अंदर। और Sn को अगर ऑब्जर्व करो, n/2 2a+n-1 × d, ठीक है, n-1 × d, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन n। तो एक चीज दिमाग में रख सकते हो कि अगर कोई भी एपी है जिसका Sn क्वाड्रेटिक n के अंदर, या फिर उसकी जनरल टर्म क्या है सीक्वेंस की, लीनियर एन के अंदर, तो पक्की बात हो सीक्वेंस हमेशा क्या होगी, क्या एपी होगी। देखने के लिए समझ सकते हो कि एस एन को अगर मैं आपको दे दूँ an² + bn + c, तो टी एन कैसे निकालोगे इसकी, टी एन होगी हमारे पास एन टर्म्स के सम में से n-1 का घटा दो। ये किसी भी सीक्वेंस के लिए वैलिड है, ठीक है, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। करोगे तो क्या बनेगा, ए कॉमन ले लेता हूँ, सिमिलर टर्म्स को कलेक्ट कर रहा हूँ, n² - n-1² + b (n-n-1), और c से c तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो आगे से क्या बना मेरे पास, a
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूँ तो ए बन जाता है 2n-1 और पीछे तो बी बची रहे, तो ये क्या हो गया, एक तरह से मेरे पास लीनियर टर्म आ गई प्लस बी माइनस ए, तो टी एन क्या है आपकी लीनियर, पक्की बात ये भी होगी। इसको भी प्रूव करना चाहो तो ए पी में क्या होता है, कॉन्जिकेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हो आप, तो क्या आएगी 2a कॉमन ले लूँ n-1 क्योंकि डिफरेंस लोगे तो कॉन्स्टेंट टर्म तो कैंसिल हो ही जाएगी दोनों में सेम रहेगी, तो ये कट के कितना आ गया मेरे पास 2a, ये आपका क्या बन गया कॉमन डिफरेंस। देख लो दो कॉन्जिकेटिव टर्म का डिफरेंस कॉन्स्टेंट आ रहा है, पक्की बात है कि वो सिक्वेंस क्या रहेगी अपनी ए पी। ओके कुछ क्वेश्चन लगाइए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि ए पी की टर्म्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो वैसे तो कुछ कॉमन चीज़ तो आपको वैसे सीधी सीधी याद रख सकते हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पी। एक तो देखो अपने पास मान लो तीन टर्म्स हैं, बोला जाए कभी भी ए पी में तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस सेम होता था बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो जब भी तीन टर्म को ए पी में बोला जाए कि यूज करना तो इस तरह से इक्वेशन बना सकते हो, बीच वाले का डबल बराबर आजू बाजू का सम। दूसरा हमारे पास अजम्पशन ऑफ टर्म्स, अगर मान लो अपने को बोला जाए कुछ टर्म्स हैं जो एक ही ए पी में है उनको अपने एज्यूम करना है, तो आप एज्यूम करने को आप ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी भी कर सकते हो, थ्री डी भी कर सकते हो, इस तरह से चला सकते हो, लेकिन आपको अगर सम दे रखा हो तो हम इस तरह से एज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि जोड़ते ही अपने पास डी ख़त्म हो जाए, मतलब एक वेरिएबल सीधे हट जाए तो हम आराम से कर पाएंगे ना। तो उस केस में मान लो दो केस बन गए अपने पास, एन अगर आपका ओड हो, ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो, जैसे ये तीन टर्म है, मैं कैसे एज्यूम करूँगा ए ए फायदा क्या हुआ, ऐड करते ही डी खत्म, सीधा आपको ये मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ये तीनों एंगल, ये ट्राइंगल के तीन एंगल और एपी में है, तो आप ऐड करके ट्राइंगल का सम क्या होता है, एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो एक बात तो सीधे पता लग गई ना कि मेरे पास की ए की वैल्यू 60 डिग्री होगी। आपको दूसरी प्रॉपर्टी मिलेगी आप उससे डी निकाल लोगे, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एन इवन हो तो आप मान लो दो टर्म की बात करो तो ऑब्वियसली बात इसी तरह से अज्यूम करोगे ताकि ऐड करते डी ख़त्म हो जाए, इनके बीच में गैप कितना है 2d का, तो इसके आगे अगर मान लो मेरे को टर्म एज्यूम करनी है तो 2d ऐड करके इधर आ जाओ और 2d सबट्रैक्ट करके इधर आ जाओ, तो इस तरह से एक आगे एक पीछे टर्म्स बढ़ाते रहोगे, तो अब जब भी सम करोगे तो d कैंसिल हो जाएगा। अभी ध्यान रखना है कि इस तरह के अजम्पशन का सिग्निफिकेंस तभी है जब मेरे पास सम गिवन हो, अदरवाइज आप नॉर्मल रूटीन में जैसे ए पी की टर्म्स एज्यूम की जाती हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d वैसे भी मानो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इस जब सम गिवन हो तो ज़रूर फर्क पड़ता है अपने पास। तो बेसिक से एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो मेरे पास थ्री टर्म्स इन एपी जिनका मेरे को सम दे रखा है 24 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 440, तो निकालना है मेरे को, ठीक है। सम गिवन तो ऑब्वियस ही बात है, मैं सब क्या मान लेता हूँ ए प्लस डी ए माइनस, ये मेरे तीन टर्म है, सम सीधा लिखा 24, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू सीधे क्या मिल रही है 3a इज इक्वल टू 24, तो ए का वैल्यू 8 मिल गया। प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करोगे देखो बीच वाले में आइडेंटिटी बन गई सीधे सीधे फर्स्ट और थर्ड में, ए प्लस डी ए माइनस डी मेरे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 440, ए का वैल्यू कितना अपने पास 8, तो कैंसिल करके लिख दोगे वैल्यू पुट करो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कैंसिल कर देता हूँ 5, तो डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9, तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस 3। अब देखो दोनों से प्लस से माइनस से बनाओ नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही बनेंगे, बीच में मेरे पास 8 है प्लस 3 लोगे तो 11 और पीछे आ जाएगा मेरे पास 5, माइनस 3 लोगे तो 11, 8, 5, तो दोनों से सेम ही बन रहा है, डिक्रीजिंग उल्टा सीधा चल रहा है बस खाली। सेम सम गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे जूम करना है अपने को ओड इवन के हिसाब से। इवन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मेरे पास 4 टर्म्स हैं a1 a2 a3 a4, किस में ए पी में, ओके चारों का जो सम है
a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, वो मेरे पास कैसे दिया हुआ है, सम दिया हुआ है मेरे पास 32, एंड बोला गया है कि a1 a4 डिवाइडेड बाई a2 a3, ये जो रेशियो है ये मेरे पास 7/15 है। तो मेरे को टर्म्स पता करनी है, तो सीधी सी बात अपन टर्म्स को कैसे मान लेते हैं, a-3d a-d a+d एंड a+3d। इवन मैं ऐसे जूम करता हूँ, सम किया मैंने, देखो सारा कैंसिल होने के बाद 4a की वैल्यू आ गई मेरे पास 32, ओके तो a मिल गया मेरे को यहाँ से 8। अब पुट करें, a+3d a-3d का प्रोडक्ट किया, क्या बन गया ऊपर a²-9d²। इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो क्या बन गया मेरे पास a²-d², दैट इज इक्वल टू 7/15। ठीक है, a का वैल्यू मेरे पास 8 है तो मैं रख देता हूँ। अब देखो कि मेरे पास क्या बनेगा, 15 × 8 एंड 8 × 7, इधर आके कितना हो गया मेरे पास 15 a², 7 8², तो 8 × 8² हो गया। ठीक है, a का वैल्यू रख रहा हूँ साथ साथ, ये हो गया 15 × 9, इधर आके प्लस का हो गया 135 − 7 हो गया मेरे पास 128 d², ओके। अब ये मेरे पास एक तरह से कितना हो गया 2³, 2⁶, ये 2⁷ d², तो d² का वैल्यू आ गया मेरे पास 2⁻²। इजी, 9 तो d का वैल्यू आ गया ±2। तो टर्म्स बना लो फटाफट, मेरे पास क्या बनेगी, अगर d को +2 ले लो तो ये बनेगा 8 − 6 = 2, देन 8 − 2 = 6, 8 + 2 = 8, 8 + 2 हो गया मेरे पास कितना 10, 4 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है ना सिंपल 14, और माइनस का हो तो यही चीज़ उल्टी बन जाएगी 14 × 10 = 6 2, तो ये चार टर्म मेरे पास आराम से बन गई। तो आपको पता लगा कि भाई के टर्म्स कैसे जूम करनी है अगर मेरे को सम गिवन हो तो। दूसरा देखो कि AP की जो जनरल टर्म है a+n − 1 × d, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ लीनियर होती तो अगर an अपने लीनियर होते हैं तो ये AP की जनरल टर्म बनती है। अब AP की टर्म में कुछ भी ऐड करो कांस्टेंट, तो मतलब मेरे पास डैश क्या हो जाएगा a+ के, ये फर्स्ट टर्म बन गई और d अभी भी कैसे से अगर ले रही लीनियर तो ये अभी भी क्या है ap, या सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो सारी टर्म्स को तो मेरे पास नई जनरल टर्म क्या हो जाएगी ak के फर्स्ट टर्म हो गई n − 1 × d, अगेन अभी भी क्या है n में लीनियर, ये भी ap है, सिमिलरली डिवाइड करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी भी कांस्टेंट से करोगे सारी टर्म्स को तो मेरे पास क्या आएगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस ap ही रहेगी। दूसरा अगर दो ap ले लिए अपन ने, ठीक है एक a है मेरे पास a+n − 1 × d और दूसरा मान लो मेरे पास ap है कैपिटल a+n − 1 × D। अब इनकी कोरोस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर ऐड कर दो तो a+an′ क्या बना मेरे पास a+a+n − 1 d+d। अभी भी क्या है लीनियर n के अंदर तो अभी भी ap है, मतलब निकला क्या दो ap का कोरोस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर ऐड कर दो नई सीक्वेंस बनाओगे तो वो भी क्या बनेगी ap बनेगी। तो इनका यूज करके मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ आपको, इफ a, b, c are in AP, ओके अगर AP में तो मेरे को प्रूव करना है कि b+c, c+a, a+b ये भी AP में होगा। आप चाहो तो बीच वाली का डबल आजू बाजू का सम कर सकते हो, उससे भी जा सकते हो गिवन दैट कि मेरे पास 2b = a+c उसका भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अभी जो पढ़ा उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास एक प्रूफ में एक तरीका होता है डिडक्शन, कि हमारे पास जो दिया है जिसको मेरे को प्रूव करना है उसको मैं ऑलरेडी ट्रू मान लूँ, ठीक है ऑलरेडी अगर ट्रू मान लूँ और एट द एंड मैं एक ऐसी चीज़ पर पहुँच जाऊँ जो कि गिवन है फंडामेंटली ट्रू है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे सारे डिडक्शन ऊपर तक के ट्रू मान लिए जाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ अगर ये AP में, अब देखो इन सबको अगर मैं किस में से सबट्रैक्ट कर दूँ a+b+c में से तो हो जाएगा मेरा काम, या फिर बोलो सब में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया
ए प्लस बी प्लस सी तीनों में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी तीनों में सब्ट्रैक्ट कर लो तो अभी भी ये क्या रहेगी, ए पी रहेगी। सब्ट्रैक्ट किया, बी प्लस सी कैंसिल माइनस ए आ गया, सी प्लस ए कैंसिल माइनस बी आ गया, ए प्लस बी कैंसिल माइनस सी आ गया, ये अभी भी क्या है, ए पी है। सबको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी क्या है, ए पी है, जो कि मेरे पास क्या है, गिवन है। इसका मतलब ये ट्रू है फंडामेंटली, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। यही स्टेप्स को अगर वापस कर दो तो आपको दिख जाएगा ये गिवन टर्म्स किस में थी मेरे पास, ए पी में। सेम ऐसे अगर मैं बोलूँ आपको ए अपॉन ए इंटू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, बी इंटू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए, सी इंटू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, इसको मेरे को ए पी में प्रूव करना है, ठीक है, गिवन दैट ए बी सी मेरे ए पी में। तो ये बेसिकली क्या दिखा हुआ है, एलसीएम एलसीएम लेके देखो, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी, सी ए प्लस सी बी अपॉन ए बी, ठीक है। इसको अगर मैं ए पी में मानता हूँ तो ये चीज़ भी मेरी ए पी में ही है, कुछ चेंज नहीं, कैसे एलसीएम लिया है। अब टर्म देखो, दो चीज़ें ऊपर हैं तीसरी चीज़ नीचे है, दो चीज़ ऊपर है तीसरी चीज़ नीचे, दो चीज़ ऊपर तीसरी चीज़ नीचे, बेसिकली ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सीन दिख रहा है। तो अगर मैं इन तीनों में वन ऐड करूँगा कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, तब भी सीक्वेंस किस में रहेगी, ए पी में ही रहेगी, कॉन्स्टेंट ऐड करने से फर्क पड़ता नहीं। पर अपने फ़ायदा क्या हो जाएगा, बी सी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बॉटम बी सी, सेम टर्म ऊपर बाकी सब में बनेगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी। तो देखो सब तीनों को डिवाइड कर दिया मैंने किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, तीनों में सेम है ना, तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी से आप डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में दिखेगी मेरे पास, ए पी में ही दिखेगी। इसका मतलब ये चीज़ भी क्या है अपनी, ए पी ही है। अगेन बी सी है, ए सी है, ए बी है, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूँ किस से, ए बी सी से, मतलब ए बी सी ऊपर आया कैंसिल होके ए बचेगा, ए सी कैंसिल होके बी बचेगा, ए बी कैंसिल होके सी बचेगा, ये भी किस में है, ए पी में ही है, जो कि गिवन है। इसका मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से ऊपर देखा जाए तो सारे स्टेप मेरे सही हैं, गिवन सीक्वेंस भी मेरे पास ए पी है। तो आप चाहो तो ए बी सी को ए पी मान के रिवर्स स्टेप लिखो, ठीक है, या फिर ऊपर से इसको ए पी मान लो, ऑटोमेटिकली आप एक ऐसी चीज़ पे पहुंच जाओ जो कि फंडामेंटली ट्रू है या फिर गिवन है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रूफ बाई डिडक्शन। ईजी, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसा ही मेरे को शो करना है ए स्क्वायर बी प्लस सी, ठीक है, बी स्क्वायर सी प्लस ए एंड सी स्क्वायर ए प्लस बी, ये चीज़ भी किस में है, ए पी में प्रूव करनी है, ठीक है। तो अपने पास देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूँ, ए कॉमन खींचो अंदर क्या डालो, ए बी प्लस ए सी, बी कॉमन खींचो अंदर क्या बन जाएगा, बी सी प्लस, देखो अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल किया तो उसी का रिवर्स करने की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, ए बी एंड सी, एक सी बाहर रखो, एक सी को अंदर डाल दो, क्या बन गया, ए सी प्लस बी सी। अगर सबको मैं किससे डिवाइड कर दूँ, ये अभी भी ए पी में ही है, ए पी में ज्यूम किया हुआ था, इसका मतलब ए बी ए पी सबको डिवाइड कर दिया मैंने ए बी सी से, देखो ए बी सी से क्या किया मैंने, डिवाइड, तो ये क्या बन गया, ए कैंसिल, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी आ जाएगा। ये चीज़ ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ, है ना, थोड़ी देर पहले किया, ये सब में वन ऐड करोगे, ऊपर से उड़ाओगे, अल्टीमेटली आप ए बी सी तक पहुँच जाओगे, ठीक है, ए सी प्लस बी सी अपॉन, ये क्या आ गया मेरे पास, बी कैंसिल होने के बाद ए सी बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा, तो करना कुछ नहीं है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ऊपर से बी प्लस बी सी प्लस सी उड़ाओगे, फिर वन अपॉन बी सी वन अपॉन ए सी वन अपॉन ए बी आएगा, वापस ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी सी आ जाएगा, थोड़ी देर पहले जो किया था एग्जैक्टली सेम है, देखो वैसे ही स्टेप्स को लोगे, ठीक है। तो आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पर कैसे अप्रोच किया जाता है। एक जनरल क्वेश्चन और देता हूँ,
सिमिलर से देखो कि मैं बोलूँ कि ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, ये सब के सब क्या है ए पी, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि वन अपॉन ए वन ए टू ए टू ए थ्री ए थ्री ए फोर, ठीक है, प्लस 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 वन अपॉन ए एन माइनस वन ए एन, ये चीज़ किसके बराबर है, एन अपॉन ए वन ए एन के बराबर है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो ए पी में होने का एक ही मतलब होता है अपने पास के कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, और इससे पहले अगर ए एन माइनस वन लिख दूँ तो इन दोनों का डिफरेंस सबका सेम है, तो क्यों ना मैं डी से थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारा ए पी था ना ये ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ए फोर माइनस ए थ्री एंड सो ऑन ए एन माइनस वन, इसको मैंने डी एज्यूम कर लिया, मैं क्या लिखूँगा डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ तो सबके ऊपर डी आ जाएगा, उस डी को लिखता कैसे हूँ ए टू माइनस ए वन अपॉन ए वन ए टू, ठीक है। यही सेम पैटर्न काफ़ी जगह यूज किया जाता है सेटल करने के लिए, ये हो गया ए थ्री माइनस ए टू अपॉन ए टू ए थ्री, ए फोर माइनस ए थ्री अपॉन ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन, लास्ट में क्या हो गया ए एन माइनस वन अपॉन ए एन माइनस वन, ओके। इसको हम अलग अलग डिवाइड करोगे तो आप क्या दिखेगा, वन अपॉन ए वन माइनस वन अपॉन ए टू प्लस वन अपॉन ए टू माइनस वन अपॉन ए थ्री वन अपॉन, इसको देखो मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं, जब हम लास्ट की तरफ बढ़ने लगेंगे इस सीक्वेंस सीरीज की लेक्चर सीरीज में तो अलग से भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। जो पैटर्न इस तरह से बन रहा है कि हम अगर इनको ऐड करेंगे बीच की सारी टर्म्स मेरे को क्या होती दिखाई दे रही हैं, कैंसिल, ओके। देख लो ये बीच वाले टर्म सारी कैंसिल हो रही है मेरे पास, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इस तरह से पैटर्न में सब बीच की टर्म्स क्या हो जाएंगी कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरे पास वन अपॉन ए वन माइनस वन अपॉन ए एन, जिसको एलसीएम लेके सेट किया जाए तो वन अपॉन डी ऊपर हो गया ए एन माइनस ए वन अपॉन ए वन ए एन। अब ए एन को क्या लिख सकते हो आप, ए एन को क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए वन अपॉन ए वन ए एन, तो ये कैंसिल हो गया, डी से डी भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास एन माइनस वन अपॉन ए वन ए एन, ठीक है। थोड़ा सा चेंज यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में, यहाँ पे एन माइनस वन करना था मेरे को, ठीक है। तो एक पैटर्न समझ में आया कैसे मैं डील कर रहा हूँ, ए पी की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, डिफरेंस सेम है। इसी का एक दूसरा वर्जन देखिए आप, यही सेम चीज़ है, ए वन ए टू ए थ्री ये सब ए एन किस में है, ए पी में है। तो देखिए ए वन ए एन ए टू ए एन माइनस वन ए थ्री ए एन माइनस टू प्लस 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 लास्ट में अगर पहुंचा तो ए एन ए वन, एन टर्म्स देख लो ए वन से लेकर ए एन तक भागा हूँ तो एन टर्म्स आई होंगी। प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है टू अपॉन ए वन प्लस ए एन वन अपॉन ए वन वन अपॉन ए टू प्लस 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 वन अपॉन ए एन के बराबर है। अब देखो स्टार्टिंग पहले से पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने आपको क्या दी थी कॉन्जुगेटिव टर्म्स, तो एपी में कॉन्जुगेटिव टर्म्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंस सेम होता है। अभी मैं आपको कैसे कॉम्बिनेशन बना के दे रहा हूँ, ए वन ए एन ए टू ए एन माइनस वन ए थ्री ए एन माइनस टू, इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो सम वाली ध्यान आ रही है आपको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकेंड सेकेंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, इनका सम फिक्स होता है। ये अपन ने देखा हुआ है कि भाई ए वन प्लस ए एन करो या फिर ए टू प्लस ए एन माइनस वन करो या फिर ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू करो, ये सब के सब क्या होता है इक्वल, लैसे के मान लेता हूँ। तो इस पूरी सीरीज को जैसे अपन थोड़ी देर पहले किया के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड करूँगा तो सबके ऊपर के आएगा यहाँ पे,
और उसको के को क्या लिख दूंगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ए वन ए एन, ए वन ए एन प्लस ए टू प्लस ए एन माइनस वन अपॉन ए टू ए एन माइनस वन प्लस प्लस प्लस, ऐसे चलाते रहो लास्ट में क्या हो जाएगा ए एन प्लस ए वन अपॉन ए वन ए वन। अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने तो क्या बनेगा ये वन अपॉन के वन अपॉन ए वन वन अपॉन ए एन वन अपॉन ए टू वन अपॉन ए एन माइनस वन वन अपॉन ए थ्री वन अपॉन ए एन माइनस टू प्लस 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 लास्ट वन अपॉन ए वन अपॉन ए वन। अब देखो इसको फर्स्ट पार्ट देखो ए वन ठीक है ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन सम हो गया मेरे पास। उल्टा देखो ए वन ए टू ऐसे चलते जाओगे कहाँ तक आ रहा है ए वन, तो बेसिकली ए वन से लेके ए एन तक की सीरीज दो बार लिखी हुई है तो क्यों ना मैं इसको क्या लिख दूँ वन अपॉन के टू टाइम्स वन अपॉन ए वन वन अपॉन ए टू। देख रहे हो ए वन से लेके ए एन तक, और उल्टा देखोगे तो ए एन से लेके ए वन तक तो सेम सीरीज दो बार लिखी हुई है आगे पीछे करके प्लस 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 ए एन। और के क्या था आपका, के क्या था मेरे पास, इनमें से कुछ भी रख दो जो भी रिक्वायरमेंट है। तो सवाल के एक्सप्रेशन के हिसाब से मेरे को ए वन प्लस ए एन पिक करना है तो आंसर क्या गया टू अपॉन ए वन प्लस ए एन वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू प्लस 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 वन अपॉन ए एन हैंस प्रूव्ड। ओके तो अब एक लास्ट चीज़ देखने वाले अपन अर्थमेटिक मीन, उससे पहले आप कुछ सवाल लगा लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते अपने लास्ट टॉपिक की तरफ अर्थमेटिक मीन। तो पहले समझ लिया हम अर्थमेटिक मीन किसे बोलते हैं। तो बचपन से देखो आपने एक अपने अर्ली क्लासेज में एवरेज निकाला होगा नंबर्स का, तो एवरेज कुछ नहीं है, वो एवरेज या मीन वो कौन सा मीन था, अर्थमेटिक मीन ही था। बेसिकली आपको ए और बी का मीन निकालना है तो आप क्या करोगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। तो बेसिकली ये क्या हो गया अपने पास अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, एम ऑफ ए एंड बी। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, जैसे कि अगर मैं बीच में ये तीन नंबर बोलता, ये तीनों किस में एपी में, तो आप क्या बोलते तीन नंबर एपी में होने का पता है क्या, मतलब बीच वाले का डबल आजू बाजू का सम। तो कैपिटल ए किसके बराबर हो गया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है तो सिंपल तरीके समझा जाए ये एपी में है तो ये बीच वाला नंबर क्या हो गया हमारे पास मीन हो गया। वैसे इन जनरल बहुत सारे नंबर्स का अगर आपने वो एम निकालना हो, लेट्स से एन नंबर्स का एम निकालना है, सिंगल एम एम ऑफ ए वन ए टू से लेके ए एन तक, तो एक अपन कैसे लिखते हैं इसको बाई डेफिनेशन सबका सम कर दो डिवाइडेड बाई एन। अर्थमेटिक मीन बेसिकली अपन जैसे बचपन में पढ़ता है सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा। हम अब इसकी बात कर रहा हूँ कि सिंगल एम है तो इनके बीच में मान हमने एक नंबर फंसाया, इसको बोल दिया हमने सिंगल एम डाला इनके बीच में, तो वो बेसिकली क्या हुआ ए प्लस बी बाई टू, बीच वाला नंबर ही है। अब इसी बात को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, इफ आई से इंसर्ट एन ए एम्स बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर के बीच में आपको एन ए एम्स डालने हैं, तो इस बात का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है कि आपने ए और बी के बीच में एन नंबर्स इंसर्ट कर दिए, कैपिटल ए वन कैपिटल ए टू कैपिटल ए थ्री अप टू कैपिटल ए एन कोमा बी, तो ये हमने नए नंबर्स इंसर्ट किए कितने एन। ओके ए से बी के बीच में एन नंबर्स आपने फिट कर दिए, तो मोर और लेस इंसर्ट एन ए एम्स बिटवीन ए एंड बी का सीधा सीधा मीनिंग यही निकलता है कि क्रिएट क्रिएट
NAP by inserting n numbers between A and B. Inserting n numbers between A and B. तो AP बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए, वो तो मेरे को पता है, ये मेरी होगी फर्स्ट टर्म A के बराबर, एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? उसके लिए मेरे को एक सीधा सीधा इक्वेशन पता है, B के बारे में नंबर पता है, तो B बता सकते हो आप कौन से प्लेस पे आ रहा है। आगे से अगर काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो ये बीच में कितना नंबर है, एन, एक आगे रुक गया तो ये सोच रहे आखिर तक कितने नंबर हो गए, एन प्लस वन, कितने नंबर, एन प्लस वन। तो बी कौन से नंबर पर आएगा, जस्ट अगला नंबर ही है, तो दैट विल बी एन प्लस टू एथ प्लेस। तो बी आपका कौन से नंबर पे इस एपी में, एन प्लस टू पे। तो इफ आई से ए एन प्लस टू, तो किसके बराबर है, बी के इक्वल, दैट मीन्स ए एन प्लस टू का मतलब ए प्लस एन प्लस वन इन टू डी इज इक्वल टू बी। सो आई कैन राइट डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ईजी। तो इसको याद नहीं करना है, बस ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि अभी आपको जब भी बोला जाए कि भाई एन ए एम डाल रहे हो बीच में, ए एल बी के बीच में, मोर लेस आप ए पी बना रहे हो, ठीक है। जिसके लिए आपको ए फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। अगर आप मान लो ए एल बी के बीच में आपने पाँच नंबर डाले, तो बी कौन से नंबर पे होगा, आगे से काउंटिंग करो, सातवें नंबर पे। तो सीधा सीधा लिखो बी को ए इज इक्वल टू सिक्स, ए इज इक्वल टू सॉरी बी इज इक्वल टू ए प्लस सिक्स डी। जो भी बी की वैल्यू से इक्वेट करो, ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है पाँच, तो डी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। और जैसे ही आपको डी मिला, तो आपका जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है जो डाल लिया आपने, यही से पी का सेकेंड नंबर है, तो आई विल सिंपली राइट ए प्लस डी। ए टू क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म है इस ए पी की, ए प्लस टू डी। ए थ्री क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी, सो ऑन। ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एन डी, ईजी। अब एक सिंपल सा थ्योरम कि इन सब का जो सम है, ए वन प्लस ए टू प्लस प्लस प्लस, इन सब का जो सम है दैट इज सिंपली इक्वल टू एन टाइम्स सिंगल ए एम, समझ रहे हो। ए और बी के बीच में सिंगल ए एम डालोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी बाई टू। तो इन सारे ए एम्स का सम एन टाइम्स सिंगल ए एम के बराबर है, तो देख लेते हैं एक बार। तो ये मेरे पास ए प्लस डी, ए प्लस टू डी प्लस 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 ए प्लस एन डी। तो एन टर्म्स ए एन टाइम्स ऐड हुआ तो एन ए हो गया, डी कॉमन, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस 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 एन, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स ए पी ए, याद ही रख लेते इसको, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू हो गया अपने पास सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ओके। अब इसमें से अगर मैं एन कॉमन निकाल लूँ, ओके, और एलसीएम लूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास, टू ए, ए प्लस ए लिख देता हूँ, ए प्लस एन प्लस वन इन टू डी, ठीक है। एन कॉमन निकाल चुका, एलसीएम लिया तो ये बन गया मेरे पास। अब थोड़ी देर पहले देखो ना, आपने बी को क्या लिखा था, बी कौन से नंबर पे था, एन प्लस टू नंबर पे। तो ये पूरी चीज़ मेरी क्या है, बी तो है, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, एन टाइम्स ए प्लस बी बाई टू, ओके, ए प्लस बी बाई टू, ईजी। समझ में आ गया सबको। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एम पे बेस्ड। तो सिंपल क्वेश्चन है, इंसर्ट 11 ए एम्स बिटवीन 28 एंड 10, ओके, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल ए एम्स, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल ए एम्स, ओके, नंबर ऑफ इंटीग्रल ए एम्स। तो आप चाहते हो उसको 28 से 10 की तरफ जाओगे तो डिक्रीजिंग ए पी बनेगी, और 10 से 28 जाओगे तो इंक्रीजिंग ए पी बनेगी, है कि नहीं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, आंसर सेम ही आना है। तो मेरे को थोड़ा इंक्रीजिंग चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, सो 10 से 28 की तरफ बढ़ोगे तो बीच में नंबर डालने अपने 11, सो दैट के क्या बन जाए, ए पी, ए थ्री कैपिटल से लिख लेता हूँ, ए एम की बात कर रहा हूँ, अप टू ए 11, कहाँ तक पहुँचे आप, 28 तक। तो अपने को डी निकालना और अपना काम ख़त्म।
यू नो ये कौन से नंबर पे अपने 11 नंबर तो ये हो गए, एक ही हो गए 12, तो ये नंबर कौन सा हो गया अपने पास 13, कौन सा नंबर है 13, तो ये इस एपी की 13 टर्म है ना कि नहीं, तो 28 को क्या लिख दिया 13 टर्म, सो दिस इज ए प्लस 12d, तो d का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, a का वैल्यू दे रखा है 10, तो d हो गया मेरे पास 18 by 12 दैट इज 3/2, ओके तो आप इंसर्ट कर सकते हो, तो a1 में सेकंड टर्म है दैट इज विल बी सिंपल a प्लस d, लगाते जाओ 10 प्लस 3/2, ओके a2 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, 10 प्लस 2 इंटू 3/2 एंड सो ऑन, इस तरह से 11 एम्स आप इंसर्ट कर दोगे। अब उसमें से कितने मेरे पास इंटीग्रल होंगे, अब जाहिर सी बात है मेरा डी क्या है, इंटीग्रल एम्स देखना ना आपको, तो डी क्या है आपका 3/2, तो जब आप ये लिख रहे हो आपका जो ए एम एन एथ एम है ए प्लस एन डी, ए 10 है डी 3/2 है, तो जो भी n इवन होगा उतनी इंटीग्रल ये m होगी, क्योंकि 2 पूरा पूरा कट के तभी तो इंटीजर बनेगा, इंटीजर प्लस इंटीजर, तो 1 से 11 के बीच में कितने हो गए मेरे पास, तो सेकंड फोर्थ सिक्स एट्थ एंड टेंथ, तो ये 5 m क्या हो जाएंगे आपके इंटीग्रल, सेकंड फोर्थ सिक्स एंड एट्थ एंड टेंथ, तो सीधा सीधे दिख रहा है कि n की वैल्यू इवन लोगे तो कट के बाद इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीग्रल आंसर मेरे पास आ जाएगा। इजी, एक सिंपल सवाल देखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है ये भी, कि बिटवीन 1 and 31 एम एम्स आर इंसर्टेड एंड रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th मीन्स मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ इज 5/9, तो आपको m का वैल्यू निकालना है मेरे को, तो ये इसी बात है कि मेरे पास 1 a1 a2 a3 बीच में कहीं a7 आएगा, फिर चलते रहेंगे am माइनस 1 am कोमा 31, ठीक है, इस तरह से नंबर इंसर्ट करके हमने एपी बना दी एम बनाने का मतलब, तो ये कौन से नंबर पे है, ये मेरे पास m प्लस 2 नंबर पे, m नंबर से हो गए एक 1 है आगे, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया am प्लस 2, तो 31 को सीधे सीधे लिखा am प्लस 2 दैट इज a प्लस m प्लस 1 इंटू डी एंड a आपका है 1, तो d का वैल्यू हो गया मेरे पास 30 अपॉन m प्लस 1, ओके 30 अपॉन m प्लस 1, तो सिंपली मेरे को क्या लिखना है a 7 अपॉन a m माइनस 1, इसका रेशो अपने को दिया हुआ कितना 5/9, तो ये क्या बन गया a 7 का मतलब a प्लस 7d, ध्यान रखना a m की बात कर रहा हूँ, 8th प्लेस पे आएगा ये आगे से काउंट करोगे तो a प्लस 7d 7 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस m माइनस 1 इंटू d 30 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 5/9 चल रहा है, ठीक है, तो सोल्व कर लो, ऊपर मेरे पास क्या बन गया m प्लस 1 210, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1 30m, तो ये हो जाएगा 31m प्लस 1 माइनस 30 माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9, ठीक है 9m और 31 इंटू 5, तो m की सारी टर्म एक साथ कर रहा हूँ, 31 इंटू 5 मेरे पास कितना हो गया 155 माइनस 9 155 माइनस 9 तो करोगे तो कितना है मेरे पास 146m, ये एक साइड पड़ा हुआ है, ठीक है, और
न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, 9 इंटू 211 दैट इज 9 9 18, और ये भी माइनस का तो 10 जाके प्लस का ही होगा, प्लस 29 इंटू 5 हो जाएगा मेरे पास 145। सो एम का वैल्यू आई कैन से, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी करो तो सिमिलर टर्म्स को कलेक्ट करते रहो, ऐसा नहीं कि अपने बिखेर के पूरा मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा आदत डालनी इस चीज़ की भी। तो कितना हो मेरे पास, 9 4 4 13, वापस 4 और 8 1 9 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 146। सबसे पहले तो इसको 2 से ही कैंसिल कर दूँ, तो मेरे पास कितना आ गया, 1022 डिवाइडेड बाई 73। अब 73 एक प्राइम नंबर है तो पूरा कैंसिल होना ही पड़ेगा क्योंकि एम एक नेचुरल नंबर है। तो देखो कितना हो रहा है मेरे पास कैंसिल करने के बाद, 1 रिमाइंडर बचेगा कितना, 27 प्लस तो 29, तो 292 बच रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ 7 4 3 4 4 14 पे पूरा कैंसिल हो गया। तो दिक्कत है तो आराम से अपने आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। लॉजिक अपन ने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको एम्स का रेशियो लेना था इंसर्ट करने के बाद। तो इजी क्वेश्चन, जैसे कि एम ए एम्स, अगेन एम ए एम्स इंटरसेक्ट करके किसी बीच में 5 and 41 के बीच में, बिटवीन 5 and 41, एंड द वी आर गिवन रेशियो ऑफ थर्ड एंड ए पी माइनस वन इज 2/5 ए एम माइनस वन, ठीक है ए एम माइनस वन। तो अपने को एम का वैल्यू निकालना है, तो अपने सब सिंपल पता है कि ए थ्री का मतलब क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, तो 5 + 3d, d क्या आया था, b माइनस ए अपन एन प्लस वन, है ना। पुराने वाले क्वेश्चन को सीधे सीधे फॉलो करो, b माइनस ए अपन एन प्लस वन, 41 माइनस 5 कितना हो गया मेरे पास, 36 अपॉन m प्लस वन डिवाइडेड बाई 5 प्लस m माइनस वन इंटू डी दैट इज 36 अपॉन m प्लस वन इज इक्वल टू 2/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, सोल्व करो, तो एम का वैल्यू आपको 11 प्राप्त हो जाएगा आराम से। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ, वो सेम वैसे ही बनाना जैसे मैंने ऊपर बनाया, सीधा सीधा इक्वेशन बनानी है और वैल्यू निकालनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई नंबर की, ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन अप टू ए एन, सच दैट कि ए वन आपका है 0, ठीक है, एंड ए टू की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, दैट मोड ऑफ ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस वन का मोड। एक तरह से यहाँ पे देख सकते हो ए टू वैल्यू प्लस माइनस वन हो सकते हैं अगर ए वन को 0 पुट करोगे तो। सेम ऐसे मेरे पास दिया हुआ है ए थ्री इज इक्वल टू मोड ए टू प्लस वन, ठीक है, सो ऑन चलोगे तो मेरे पास ए एन का मोड बराबर ए एन माइनस वन प्लस वन, तो वही रिलेशन चल रहा है। तो अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट दैट ए एम ऑफ ए वन ए टू अप टू ए एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ। तो पहली बात तो अपने को एक्सप्रेशन क्या निकालनी है उस पर विचार कर लो कि एन नंबर्स के एम बताया था सबको ऐड करके, सिंपल जैसे मीन लेते वैसे ही कह रहे हैं, इनको ऐड करके अपन ने क्या कर लिया, डिवाइडेड बाई एन, तो दिस थिंग हैज़ टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ, ये प्रूव करना है। अब देखो मोड के देखते ही हमारे दिमाग में आता है कि भाई इसको क्या करें, खोल के प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन करते जाएं, ठीक है, पर उससे कितने सारे केस बनाओगे, एन तक जा रहे हो ना। तो हम मोड को डील करने का तरीका ये भी होता है देखो मैथ्स के अंदर कि बहुत साइड स्क्वायर कर दो तो मोड का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा उस पर विचार करेंगे कि हमारे पास देखो अगर इन सारी इक्वेशंस को मैं स्क्वायर करके ऐड करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, क्या हुआ है मेरे पास, सबको क्या कर रहा हूँ स्क्वायर में पहले, तो फिर वर्टिकली ऐड कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर किया, ये बन गया मेरे पास ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन प्लस वन। सिमिलरली अगला स्क्वायर करोगे तो ए थ्री स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस टू ए टू प्लस वन, ठीक है,
चलते जाओ, ये जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू ए एन माइनस वन प्लस वन। ठीक है, अब मेरे को एन तक का चाहिए तो मैं थोड़ा एक स्टेप आगे निकल जाता हूँ। अगला नंबर क्या होगा, ए एन प्लस वन, तो सेम पैटर्न फॉलो करते हुए चलोगे तो टू ए एन प्लस वन। अब इन सबको ऐड करो आप। अब जैसे ही ऐड करोगे ना, ए टू स्क्वायर से लेके ए एन प्लस वन स्क्वायर तक की सीरीज, ए वन स्क्वायर से लेके ए एन तक स्क्वायर की सीरीज, तो एल एच एस में आपके पास क्या है, ये सीरीज देखो यहाँ पे इतना हिस्सा है कि नहीं, ये हिस्सा, यही सेम हिस्सा अपने पास एल एच एस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत साइड कैंसिल हो जाएगा अगर ऐड करोगे तो बचेगा क्या मेरे पास, ए एन प्लस वन स्क्वायर और ए वन स्क्वायर को इधर खींच लूँ, इधर आ गया, इसको टॉप टू बॉटम सम करोगे तो टू टाइम्स ए वन प्लस ए टू प्लस 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 ए एन, और इन सबको ऐड करोगे तो कितने टर्म्स लिखे मैंने, एन टर्म्स लिखे हैं, एन से एन एक्सप्रेशन लिखे, तो वन वन ऐड होकर एन हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ अपने पास क्या है, ये तो जीरो दी हुई क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ से ये पता लग गया कि हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस 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 ए एन प्लस एन, ये किसके बराबर है, ए एन प्लस वन होल स्क्वायर। अब ये क्या होल स्क्वायर, होल स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ जो चीज़ है ये हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन क्या है, पूरी एक्सप्रेशन ट्वाइस ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस 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 ए एन प्लस एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एन को उधर भेजोगे माइनस एन आ जाएगा, इधर डालोगे तो मेरे पास कितना होगा, या पूरे को आप क्या करो एन से डिवाइड कर दो, ठीक है, टू एन से डिवाइड कर दो पूरी एक्सप्रेशन को। तो ये हो गया मेरे पास प्लस ए थ्री प्लस 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 ए एन, यहाँ पर हो जाएगा n, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2n से डिवाइड कर रहे हो तो, ठीक है ना, 2n से डिवाइड कर रहा हूँ पूरी एक्सप्रेशन को, दैट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो सबका सम डिवाइडेड बाई n, ये तो क्या हो गया मेरे पास अरिथमेटिक मीन, उधर जाएगा तो ये क्या हो गया माइनस हाफ से हमेशा बड़ा रहेगा। तो इस तरह से अपन एक बहुत सिंपल तरीके से चीज़ को प्रूव कर दिया। तो आउटराइटली जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, तो वो आगे जाके मॉडुलर सब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आते हैं, वेक्टर्स में भी आते हैं, तो उनको डील करने के सिंपल उपाय यही, बहुत सारे स्क्वायर करते हुए चलो। ठीक है, तो अब आप ये लेक्चर पूरा हो गया, सारे असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, ऑल द बेस्ट।